<clears throat> started हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स वाला कैसे आप सभी उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आज की क्लास के लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि आज हमारी जो क्लास है वो आधे घंटे लेट हो गई लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को वही सेम एनर्जी वही सेम जोश के साथ मैं आज पढ़ाऊंगा और हर एक चीज़ को हम बहुत ही सिस्टमेटिक वे में क्लियर करेंगे सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने एक बी एम सब्जेक्ट को जहां हम लोगों ने मिलकर के साथ में एक बहुत ही शानदार काम किया था वहां पर आप लोगों ने इतना जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे निभाया और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसी तरीके से आर में भी एकदम झंडे गाड़ दोगे मेरे साथ में तो ये जो सब्जेक्ट है भाई पहली बात तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12 से 15 नंबर 12 से 15 नंबर को कवर करता है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ पेड क्लासेस में भी पढ़ रहे थे पेड क्लासेस में भी थे तो उनको भी सेम एनर्जी आप लोगों को आज फील होने वाली इवन उससे भी टॉप लेवल वाली एनर्जी आप लोगों को अभी क्लास के अंदर फील होगी तो आज की जो क्लास है बेटा वो आपकी रहेगी बीम डिजाइनिंग के ऊपर तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट और हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बीम डिजाइनिंग चैप्टर को बीम डिजाइनिंग का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको धरण अविकल्पना और इसे मैं में मेनली आपको पढ़ाने वाला हूँ अभी फिलहाल में एल एस एम मैथड से कौन से मैथड से एल एस एम मैथड से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस क्लास को और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सुपर क्लास आपकी होने वाली थोड़ा सा ऊपर कर दो ठीक है सुपर क्लास आपकी आज होने वाली है चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को फुल स्क्रीन हाँ ऐसे छोटा <coughs> कर दो कमेंट बॉक्स को थोड़ा चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास को तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे बेसिक फंडामेंटल ऑफ द आरसीसी को पहला टॉपिक रहेगा आईएस कोडल प्रोविजन हम लोग पढ़ेंगे और बीम डिजाइनिंग को पढ़ेंगे दान उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे मतलब कि ये आपके यहाँ पे चार बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं ठीक है चलिए मैं बहुत अच्छा हूं भाई और आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीजें यहाँ पे इस क्लास के अंदर तो अभी तक अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया दिस इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल दिस इज सर पीडब्ल्यू तो आप सबसे पहले जाकर के मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर पीडब्ल्यू आप प्लीज एंड प्लीज ज्वाइन कर लीजिए दिस इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल सर पीडब्ल्यू जल्दी से जाकर के अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए और अगर ज्वाइन कर लिया है तो फिर हम लोग क्लास में आगे बढ़ जाते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को लेकिन उससे पहले कुछ खतरनाक सी बातें आपको पता होनी चाहिए और वो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को एक जबरदस्त जोश होना चाहिए सुबह सुबह वैसे ही जोश होता है लेकिन ये जो जोश है आप लोगों का बरकरार रहना चाहिए क्लास के लास्ट तक तो क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है सक्सेस डिमांड्स दी दीसिंग कोई भी एग्जाम लाइफ में किसी भी जगह पर अगर आप इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल पर्सन तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट ऑन दीज सिक्स पॉइंट्स फर्स्ट इज द हार्ड वर्क यू हैव टू बी अ हार्ड वर्कर आपको हमेशा कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा आप अपनी फैमिली को देखें अपने घर में बड़े भाई बहनों को देखें या अपने किसी दोस्त को अपने किसी आसपास पड़ोस में जो सक्सेसफुल इंसान है उसको देखेंगे वो सुबह उठता है रात तक काम करता रहता है ही इज डूइंग हार्ड वर्क ही और ऑर्स डूइंग द हार्ड वर्क सेकेंड इज द सेक्रीफाइसेज जिंदगी में कुछ ना कुछ तो आप लोगों को बलिदान देना ही पड़ेगा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा नेक्स्ट स्ट्रगल बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं पूछेगा अगर स्ट्रगल किया और हार भी गए ना तो हारने के बाद भी तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला ध्यान रखना इस बात का लेकिन कौन पूछेगा जब तुम स्ट्रगल करने के बाद सक्सेसफुल हो जाओगे नेक्स्ट लिखा हुआ सेल्फ बिलीव खुद के ऊपर बिलीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम में हर कोई बच्चा क्या पता है क्या कहता है सर हम कर तो रहे लेकिन हमसे हो नहीं रहा हम कुछ याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं सारी चीजें जब करते हैं ना तो मतलब बेटा सेल्फ बिलीव खुद के ऊपर भरोसा करना बहुत जरूरी है पेशेंस मतलब धैर्य धैर्य नहीं रखोगे कुछ भी मतलब नहीं है धैर्य रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है एंड लास्ट में बेटा पैशन पैशनेट होना मतलब कि आप अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए पैशनेट जरूर हो जाइए ठीक है बेटा चलिए तो ये जो पॉइंट्स हैं, इनको हमेशा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ये छह पॉइंट आप लोगों को हमेशा सक्सेसफुल बनाने में आपकी मदद करते रहेंगे चलिए बेटा शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोग बात करेंगे एकदम सिस्टमेटिक वे में हर एक चीज के बारे में ठीक है जल्दी से मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा देखिए आरसीसी की एकदम धज्जिया ने उड़ा के रख दी तो कहना ठीक है देखिए बेटा क्या होता है आरसीसी का फुल फॉर्म क्या है बेटा रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट क्या मतलब है इसका मतलब हो है रीन फोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट मतलब कि इसके अंदर दो चीजें हैं दो चीजें हैं देखो बेटा सबसे पहले क्या हो रहा है ये आपके पास में एक स्ट्रक्चर है पहली बात आपको बताता हूं दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं बेटा एक आपके पास में कौन सा होता है एक आपके पास में होता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर एक आपके पास में होता है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर ये आपके सामने जो दिख रहा है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा पहले हम लोग उसके अंदर बीम होता है कॉलम होता है बीम्स कॉलम्स को स्लैब्स को डाल देते हैं ठीक है उसके फाउंडेशन डाल दी बीम्स बना दिए कॉलम्स बना दिए स्लैब्स बना दी लेकिन अभी तक उसमें दीवारें खड़ी नहीं की गई हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर और इसको बनाना बहुत आसान होता है दूसरा होता है बेटा लोड स्ट्रक्चर 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 मतलब ऐसा structure, ऐसा structure जहां पर आपके पास में एक ऐसा स्ट्रक्चर जिस जगह पर आप जब देख रहे हो तो क्या होगा साथ साथ आपकी दीवारें भी खड़ी की जाएंगी जैसे जैसे आपका स्ट्रक्चर खड़ा होता जा रहा है दीवारें भी आप लोगों की खड़ी होती जा रही हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता क्या है सर सबसे पहले जैसे टॉप फ्लोर है अगर यहाँ पे आपके पास में लोड आ रहे हैं अलग अलग तरीके के लोड हो सकते हैं डेड लोड हो सकता है लोड हो सकता है लाइव लोड आपका हो सकता है ठीक है है स्नो लोड 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 हो हो सकता सकते हैं ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के या उनके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं तो जब इस टाइप के लोड आपके लगते हैं तो जो लोड है सबसे पहले कॉलम के ऊपर आता है कॉलम के बाद में वो लोड आपका कहाँ पे आएगा बीम्स के ऊपर आएगा ठीक है धीरे धीरे जैसे कॉलम पे आ रहा है फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लैब्स का लोड है वो भी आपका कॉलम के ऊपर आएगा स्लैब के ऊपर आएगा ठीक है और उसके बाद बीम के ऊपर फाइनली फाउंडेशन के ऊपर होते हुए आप कहां पे चला जाएगा बेटा आपका सॉइल में चला जाएगा तो लोड कैसे ट्रांसफर होता है लोड आप लोगों का स्ट्रक्चर से मतलब जो स्लैब दिख रही है यहां से स्टार्ट होगा ट्रांसफर होना और धीरे 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 कहां तक ट्रांसफर हो जाएगा सॉइल तक मतलब कि बेसिकली जो आपके पास में लोड है पहले वो कहां पर आएगा बेटा स्लैब के ऊपर आएगा स्लैब से आपका लोड कहां पर जाएगा आपके कॉलम्स के ऊपर जाएगा ठीक है कॉलम्स एंड बीम्स के ऊपर और कॉलम्स एंड बीम्स लिख सकता हूं मैं कॉलम्स एंड बीम्स के ऊपर जाएगा देन उसके बाद में वो जो लोड है आपका कहां पर जाएगा फुटिंग के या फाउंडेशन के ऊपर जाएगा और फाउंडेशन के बाद में फाउंडेशन के बाद में फाइनली जो लोड है वो सॉइल में ट्रांसफर हो जाएगा अगर आपकी सॉइल उस को लेने के लिए स्ट्रॉ है।, मतलब है।, है।, तो है अगर वो इतनी मजबूत है कि ऊपर से आने वाला जो लोड है उसको बड़े आसानी से सहन कर सकती है तब तो इसको सहन करेगी और अगर मान लो इसके ऊपर जो लोड आ रहा है अगर इस लोड को ये जो सॉइल है मतलब सॉइल की खुद की बियरिंग कैपेसिटी कैसी है बेटा कम और आने वाला जो लोड है वो कैसा है ज्यादा तो क्या होगा स्ट्रक्चर आप लोगों का सेटलमेंट हो जाएगा मतलब स्ट्रक्चर में आपकी सेटलमेंट हो जाएगी स्ट्रक्चर बाद में ओवरटर्न या डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो बेटा ये कुछ चीजें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी ठीक है चलिए सर आगे बढ़ते हैं यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं हम लोग यहाँ पे प्लेन और आर्थ रेनफोर्समेंट मतलब पीसीसी और आरसीसी के बारे में समझेंगे स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का क्या उद्देश्य है कौन कौन से आई एस कोड है जो स्पेशली आई एस कोड यूज़ किए जाते हैं आरसीसी के अंदर कॉन्क्रीट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं स्टील की क्या प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बात करेंगे देखिए थोड़ा सा फास्ट समझने की कोशिश करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए बताते रहिएगा अगर आपको समझ में आता रहता है अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर पता चलना चाहिए देखेंगे एक बार क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो फ्रांसिस इंडस्ट्रियलटी सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी मतलब उन्नीसवे दशक के आपके पास में ये क्या थे फ्रांसिस के, मतलब फ्रांस के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, थे और इन्होंने पहली बार आयरन रेनफोर्स कॉन्क्रीट का कॉन्क्रीट के टेक्निक के थ्रू एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया सिंपल सीधी सी बात ये कही गई कि आपके पास Coizend, एक में एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे नाइनटीन सेंचुरी में जिन्होंने पहली बार आरसीसी का इस्तेमाल करते हुए एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया ठीक है बेटा समझ में आया तो आरसीसी के पिताजी कौन आरसीसी के पिताजी हैं आपके फ्रेंकोस तो इस बात को ध्यान रखेंगे

पहली बार डेवलप किया गया और यूज किया गया किसके द्वारा किया गया और कब किया गया क्यों किया गया तो लिखा हुआ है कि जोसेफ मोइनुर ने जोसेफ ने किया या फिर किया जोसेफ स्म ने या फिर किया आपके पास में एक और एक ने, या आपके पास किया यहाँ पर तो आपके पास आंसर आएगा बेटा फ्रेंकोसेंट क्या आंसर आएगा बेटा फ्रेंकोस आंसर आएगा लेकिन अब ये तीन महानुभाव कौन है ये तीन आपके पास में जो यहां पे ये जो तीन नाम और दिए गए ये कौन है इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं देखिए एक बार जोसेफ मोइनोर जो थे पहला लिखा हुआ है बेटा सीमेंट यूज फॉर लाइट वेट स्ट्रक्चर यूज फॉर लाइट वेट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल मतलब लाइट वेट स्ट्रक्चर जो होते हैं लाइट वेट स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं ध्यान रखिएगा फेरो सीमेंट क्या होता है एक ऐसा सीमेंट जिसमें बहुत ही बारीक बारीक स्टील के एकदम बारीक बारीक वायर्स का इस्तेमाल हम लोग करके और एक क्या बनाते हैं सीमेंट बनाते हैं जिसे हम लोग फेरो सीमेंट कहते हैं ठीक है ये आपका इनिशियल आरसीसी मेंबर्स के अंदर जिनमें हम लोग बहुत ही बहुत ही बेसिक आरसीसी मेंबर निकालना चाहते हैं है? तो है? वहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा फेरो सीमेंट तो ध्यान रखना फेरो सीमेंट क्या है फेरो सीमेंट का इस्तेमाल हम लोग लाइट वेट स्ट्रक्चर बनाने बनाने के लिए करते हैं ड या फिर इसको सीधा सीड़ सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मवर्क इज नॉट रिक्वायर्ड मतलब इस तरीके के फॉर्म वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड इस तरीके के सीमेंट को बनाने के लिए आपके पास फॉर्म वर्क की आवश्यकता नहीं होती है फॉर्म वर्क की आवश्यकता नहीं होती ध्यान रखिएगा और साथ में एक और पॉइंट का ध्यान रखें ये जो सीमेंट है इस सीमेंट ये सीमेंट आपका हाई जो सॉक्स होते हैं अर्थक्वेक अर्थक्वेक जो सॉक्स होते हैं उनको बड़े आसानी से झेल सकता है ठीक है तो मैं लिखूंगा रजिस्ट रजिस्ट द अर्थक्वेक 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 सॉक्स मतलब कि अर्थक्वेक जो सॉक्स होते हैं उनको बड़े आसानी से क्या कर सकता है ये झेल सकता है तो ये फेरो सीमेंट था बेटा तो फेरो सीमेंट का जो खोज की गई वो किसने करी बेटा ये जोसेफ मोइनोर ने इसकी खोज करी ध्यान रखेंगे दूसरा जो होते हैं ये फादर ऑफ़ द सिविल इंजीनियरिंग कहलाते हैं क्या कहलाते हैं बेटा जो जोसेफ स्पीडिन है ये आप लोग सॉरी जोसेफ स्मेटोन है ये आप लोगों के फादर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग कहलाते हैं दूसरा पॉइंट हमने ये लिख दिया तो पहला आपके पास क्या होगा जोसेफ मोइन ने फेरोट की खोज करी जोसेफ स्मेटोन को हम लोग फादर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग बोलते हैं जोसेफ एसपीडीन ने 1824 में पोर्टलैंड नामक पोर्टलैंड सीमेंट की खोज करी और ये पोर्टलैंड के रहने वाले थे और पोर्टलैंड कहां है बेटा इंग्लैंड के अंदर है पोर्टलैंड कहां पे है इंग्लैंड के अंदर है तो इन्होंने क्या करा बेटा पोर्टलैंड सीमेंट की खोज करी 1824 में किसने जोसेफ एसपीडीन ने आगे लिखा हुआ है फ्रांसिस तो वापस लिख दिया मैंने कि फ्रांसिस कोजेंट जो एक फ्रांच इंडस्ट्रियलिस्ट थे और इन्होंने पहली बार आयरन रेनफोर्स कंक्रीट का का मतलब आरसीसी यूज भी किया और साथ ही साथ उसका हमने उसका हमने इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल भी किया ठीक है और खोज भी कर दी तो इसका मतलब सीधी सीधी भाषा में अगर कोई पूछे कि सर जोसेफ मोइन और किसके लिए है तो आपको ध्यान रखना है सर ये आपका फेरोसीमेंट के लिए एक चीज और ध्यान रखना भाई फेरोसीमेंट के लिए

मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं बेटा अगर एग्जाम में तुम्हें क्लियर करना है तो हर एक चीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा चार क्वेश्चन यहीं के याद हो गए कि आरसीसी की खोज किसने करी जोसेफ सॉरी फ्रेंकोइस ने जोसेफ मोइनोर ने फेरो की खोज करी जॉन स्मेटोर ने फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और जॉन स्पिडिन जोसेफ स्पीड कौन है अठारह में ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इंग्लैंड के अंदर इन्होंने एक पोर्टलैंड नाम की चट्टान को देख करके अपने प्रोडक्ट का नाम क्या रखा पोर्टलैंड सीमेंट रखा जो कि बाद में लाइम का पूरी तरीके से सब्सटीट्यूट बन गया और लाइम को हम लोगों ने साइड में कर दिया और किसका इस्तेमाल किया बेटा हमने इस्तेमाल किया सीमेंट cement का सीमेंट एक अडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है चलिए सर स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे की बातें थोड़ी सी कर लेते हैं तो यहां तक हमने समझ में आ गया अब देखिए सर क्या लिखा हुआ है प्लेन कंक्रीट या प्लेन सीमेंट कंक्रीट जैसे मैंने कहा था कि हम लोग पीसीसी और आरसीसी दोनों को पढ़ना चाहते हैं लेकिन पहले मुझे पीसीसी समझ में आएगा तभी मुझे बेटा आरसीसी समझ में आएगा तो पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है प्लेन कंक्रीट या प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी क्या चीज होती है लिखा हुआ है पीसीसी को कैसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो पीपीसी के अंदर कुछ बिल्डिंग बिल्डिंग मटीरियल्स जैसे कि मैंने लिखा सीमेंट मैंने क्या लिखा बेटा कि हम लोग यहां पे लिख रहे हैं कि जब हम लोग पीसीसी बनाते हैं तो पीसीसी में हम लोग अप्रॉक्सीमेट प्रोपोर्शन मिलाते हैं किसका बिल्डिंग मटेरियल का जैसे कि सीमेंट है आपका वो एज बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है ग्रेबल यानी कि जो आपका कोर्स एग्रीगेट की तरह काम करता है जैसे हम लोग गिट्टी कहते हैं सैंड यानी कि रेत जो कि फन एग्रीगेट की तरह काम करता है वाटर जो कि पूरे के पूरे पेस्ट को बनाने का, का काम करता है और लास्ट में लिखा हुआ है आपके पास एडमिक्चर जो कि कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कंक्रीट के अंदर एनहांस करेंगे बढ़ाने का, का काम करेंगे तो ये सारा कुछ आपके पास में क्या है प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट के बारे में अच्छा एक चीज यहां पे लिखी हुई कि कॉन्क्रीट जो होती है वो ब्रिटल नेचर की होती है मतलब कि एक भंगुर प्रवृत्ति की होती है ठीक है क्या कह रहा हूं मैं ये आपके पास में भंगुर प्रवृत्ति की होती है ओके तो दो चीजें बहुत अच्छे समझना प्लेन कॉन्क्रीट प्लेन या पीसीसी कॉन्क्रीट पीसीसी के बारे में बात करें तो कॉन्क्रीट के अंदर मेनली क्या चीज है सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर और एडमिक्सर क्या कह रहा हूं सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर और एडमिक्सर तो यहां पे बताया मैंने सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम कर रहा है ग्रेवल कोर्स एग्रीगेट के फॉर्म में सैंड आपका फाइन एग्रीगेट के फॉर्म में और वाटर आपका फ्लूडिटी का काम कर रहा है और सीमेंट को जमाने का सेट करने का काम और एडमिक्सर क्या कर रहा है कुछ एक बेसिक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को एनहांस कर रहा है सीमेंट की पे डेंसिटी के बारे में बात करूंगा तो 1440 केजी पर मीटर क्यूब होती है सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.14 होती है और सीमेंट की जो वॉल्यूम होता है वो 35 लीटर या 0.034 मीटर क्यूब आपके पास में वैल्यू पे होती है नेक्स्ट उसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे अगर एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो पानी हम लोग कॉन्क्रीट में इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पी वैल्यू कभी भी छह से कम नहीं होनी चाहिए और एक जनरल वैल्यू के बारे में पूछेगा तो छह से साढ़े के बीच में होनी चाहिए क्लियर है बेटा देखो कंटेंट बहुत ज्यादा है जब आप इस पूरे कंटेंट को देखोगे इवन आज की क्लास के अंदर आपको इतना कंटेंट मिलने वाला है कि आपको आज से पहले किसी एक बेसिक क्लास जो आप खुद पढ़ रहे होंगे ना किसी क्लास के अंदर कहीं से पढ़ी भी होगी ना आपको वो भी फीका लगेगा इसके सामने इट्स माई गारंटी इट्स माई प्रोमिस टू यू ठीक है बेटा चलिए अब आगे देखते हैं तो मैंने आपको समझाया कि सर व्हाट इज द पीसीसी पहले पीसीसी समझोगे फिर आरसीसी पे जाओगे ठीक है मैंने बताया कि एग्रीगेट क्या है एडवांटेज क्या है पीसीसी का तो पीसीसी समझ में आ गया है। सर पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट मतलब इसमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर एडमिक्चर मिलाया गया है ना उसके बाद कंक्रीट आपका ब्रिटल नेचर का होता है ब्रिटल नेचर मतलब कि भंगुर प्रवृत्ति का होता है इसका मतलब ये होता है नो वार्निंग बिफोर फेलियर नो वार्निंग नो वार्निंग बिफोर फेलियर मतलब कि जैसे कांच होता है आपका जैसे कांच होता है ठीक है तो नो वार्निंग बिफोर फेलियर ध्यान रखना बेटा फेल होने से पहले कोई वार्निंग आपको नहीं देता है तो इस बात का ध्यान रखना कि फेल होने से पहले जो चीज वार्निंग नहीं देती है ऐसे मटीरियल को हम लोग कहते हैं ब्रिटल मटीरियल क्या कहते हैं ऐसे मटीरियल को हम लोग कहते हैं ब्रिटल मटीरियल हम लोग कहते हैं चलिए बेटा आगे बात कर लेते हैं एडवांटेज क्या क्या पहली बात तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होती है एक बात को दिमाग में फिट कर लीजिए जिन जो मटीरियल आपके ब्रिटल नेचर के होते हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा रहती है ठीक है तो जो मटीरियल बेटा ब्रिटल नेचर के होते हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होती है नेक्स्ट है इसकी कि इसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो भी ज्यादा होती है इसको हम लोग अलग अलग शेप और साइज में क्या कर सकते हैं कास्ट कर सकते हैं बना सकते हैं अलग अलग शेप और साइज में नेक्स्ट लिखा हुआ है रिलेटिवली इकोनॉमिकल एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल मतलब कि ये सस्ता तो होता ही है लेकिन इसके जो मटेरियल्स होते हैं वो भी बड़े आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं मतलब कि इजीली उपलब्ध हो जाते हैं मार्केट में और साथ के साथ सस्ता भी होता है ये ठीक है चलिए सर ये था आपके पास में क्या पीसीसी के बारे में और साथ में आप लिखा हुआ है डिसएडवांटेज क्या क्या है डिसएडवांटेज लिखा हुआ है रिमार्केबली वीक इन देंशन टेंशन मतलब कि ये जो आपका पीसीसी है बेटा ये टेंशन में क्या होता है ये टेंशन में आपके पास में टेंशन में कैसा होता है बेटा आपके पास में कमजोर होता है क्या लिखा है इट इज वीक इन द टेंशन रिमार्केबली अगर ध्यान से देखें तो बुरी तरीके से ये टेंशन में क्या होता है बेटा कमजोर पड़ जाता है खराब पड़ता है ठीक है लिखा हुआ है टेंसाइल स्ट्रेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली वन टेंथ ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो इसकी स्ट्रेंथ है ना वो सोचो उसके दसवें हिस्से के बराबर है मतलब अगर सौ एमपीए आपके पास में इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है तो सिर्फ दस एमपीए इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है तो टेंशन में बेटा ये आपका काफी ज्यादा कमजोर होता है क्या होता है बेटा टेंशन में काफी ज्यादा कमजोर होता है अब देखेंगे यूनिट ऑफ द पीसीसी पीसीसी की यूनिट क्या होती है सॉरी यूनिट वेट ऑफ द पीसीसी क्या होता है तो 24 फोर किलोमीटर पर मीटर क्यूब या 2400 सौ के जी पर मीटर क्यूब आपके पास में ये होता है नेक्स्ट लिखा हुआ है सर मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू 20 ट्वेंटी mm. मतलब कि आप यहां पर मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना इस्तेमाल करेंगे तो वो आप बीस mm इस्तेमाल कर सकते हैं इवन आरसीसी में भी आप बीस एम mm का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो चीजें मैंने आपको अभी बताई एग्जाम में यहां से ढेर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे देखिए बेटा सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपका लोड जो है वो कैसे ट्रांसफर होता होता है फ्रेम क्या होता है फ्रेम स्ट्रक्चर क्या और लोड बियरिंग स्ट्रक्चर आप लोगों का क्या होता है ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी चलो इसको लिखा रहने देता हूं उसके बाद मैंने आपको बताया कि जोसेफ जो आपके फ्रेंको को है इन्होंने आरसीसी की पहले खोज करी और जोसेफ मोइनर सीमेंट की जोन फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जोसेफ एसपी ने ओपीसी की खोज करी अठारह में खोज करी इन्होंने उसके बाद मैंने आपको बताया पीसीसी में क्या है सीमेंट एग्रीगेट वाटर एडमिक्चर मिला हुआ है पानी जो हम लोग यूज कर रहे हैं सीमेंट के के अंदर uh, के अंदर पानी जो हम लोग यूज कर रहे हैं बेटा के अंदर वो उसकी पीएच वैल्यू कभी भी आप लोगों की किससे कम नहीं होनी चाहिए बेटा या आप लोगों की कभी भी uh, किससे कम नहीं होनी चाहिए सिक्स से कम नहीं होनी चाहिए पीएच वैल्यू आपकी पीएच क्या होता है एच प्लस सॉरी ओ एच माइनस आयन का एच प्लस आयन का ऋणात्मक लॉग जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं

क्या एड़्वान्ट, डिसएडवांटेज है बेटा आरसीसी का क्या डिसएडवांटेज डिस है आपका सॉरी पीसीसी का क्या डिसएडवांटेज है ये आपकी वीक होती है टेंशन के अंदर क्या होती है बेटा बेटा वीक होती है टेंशन के अंदर तो यहां पे लिख दिया अब यहां पे लिखा है कि यूनिट वेट क्या होता है तो इसका किलोमीटर पर मीटर की और चौबीस सौ के जी पर मीटर की ये आपके पास होता है और मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इतना होता है अगर इसके मैं आईएस कोड की बात करूंगा तो इसको भी हम लोग आईएस कोड फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड से पढ़ते हैं किससे पढ़ते हैं बेटा आईएस कोड फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड से हम इसको पढ़ते हैं आज भी चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द आरसी के बारे में किसके बारे में बात करेंगे सर आरसीसी के बारे में अब हम लोग बात करेंगे और यह भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है आरसीसी देखिए क्या लिखा हुआ है सर रेनफोर्स कंक्रीट या इसको बोलेंगे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या बोलेंगे या तो इसे बोलेंगे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट या इसे बोलेंगे रेनफोर्स कॉन्क्रीट ठीक है कुछ भी बोल सकते हैं आप या तो रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट बोले या इसको आप लोग रेनफोर्स कॉन्क्रीट बोल सकते हैं देखिए क्या लिखा हुआ है आरसीसी के अंदर बेटा दो चीजें हैं आरसीसी के अंदर क्या है सर आरसीसी के अंदर सर दो चीजें हैं एक आपके पास में है कंक्रीट अब हमने कंक्रीट के साथ में क्या डाल दिया एक नई चीज अभी तक हम लोग पीसीसी में क्या पढ़ रहे थे सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट को पढ़ रहे थे लेकिन अब कंक्रीट में हमने क्या डाल दिया बेटा यहाँ पे स्टील को डाल दिया है क्या डाल दिया मैंने स्टील को डाल दिया मैंने ठीक है ना देखिएगा आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है की आर सी सी द कंपोजिशन मटीरियल स्टील बार्स एम्बेडेड इन द कॉन्क्रीट मतलब की आर सी सी क्या चीज है आर सी सी के अंदर आपके पास कॉन्क्रीट ही है और ये कंपो कंपोजिट मटीरियल होता है ऐसा मटीरियल जो दो या दो से ज्यादा मटीरियल से मिलकर के बना होता है तो ऐसे मटीरियल को बेटा हम लोग कंपोजिट मटीरियल कहते हैं क्या कहते हैं और देखो जितना भी पढ़ाऊंगा एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा गारंटी देते हैं इस बात की जो आपको पढ़ा रहा हूं बेटा एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा तो मैंने बोला मैंने आपको क्या बोला कि रेनफोर्स कॉन्क्रीट या रेनफोर्स आरसीसी इसमें ये क्या होता है ये कंपोजिट मटेरियल है दो मटेरियल से मिलकर के बना है एक है आप लोगों का क्या कंक्रीट और उसके अंदर एम्बेडेड है उसके अंदर क्या हमने घुसा रखा है उसके अंदर हमने सरिया घुसा रखा है ठीक है तो क्या लिखा हुआ है आरसीसी कंपोजेट मटीरियल स्टील बार्स एम्बेडेड इन द कॉन्क्रीट जो कि कॉन्क्रीट के अंदर एम्बेडेड है आगे लिखा है एटा एज द एबिलिटी

मतलब कि की, की खोज ने क्या किया? Beam और slab जैसे बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर को बनाना बहुत आसान कर दिया ऐसे फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी मतलब है flexibility, मतलब लचीलापन बीम जो होती देखा होगा बीम के ऊपर यदि लोड लगाऊंगा तो क्या हो जाएगी बेटा वो बैंड हो जाएगी तो जब बीम आपकी बैंड हो जाती है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं उसे हम लोग फ्लेक्जर स्ट्रक्चर बोलते हैं और इनके ऊपर जो लोड लगता है वो स्पैन के परपेंडिकुलर लगता है यानी कि इस पर ट्रांसफर्स लोडिंग लगती है देख सकते हो आप लोग ये बीम है और ये जो लोडिंग है ये कैसे लगी है बेटा आपकी ट्रांसफर्स लगी है ठीक है स्पैन कैसा आपका मान लो ये एल स्पैन है तो स्पैन कैसा है आपका स्पैन आपका इस डायरेक्शन इस में लोड आपका इस डायरेक्शन में इसलिए इसको हम लोग ट्रांसफर्स लोडिंग कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है है पे लिखा हुआ है कि यूनिट वेट ऑफ आरसीसी कितना होता है बेटा 2500 पच्चीस पर मीटर क्यूब या फिर 2500 सौ के जी परमीटर पच्चीस किलोमीटर पर क्यूब याची सौ के जी मीटर क्यूब जबकि पीसीसी का कितना था 24 फोर किलोमीटर पर मीटर क्यूब या फिर था 2400 सौ के जी पर मीटर क्यूब ये आपकी बात वैल्यू थी और इसको आप यहाँ पे समझ सकते तो देखो बेटा पीसीसी क्या होता है आरसीसी क्या होता है बेसिक आपको समझ में आगे कहानी बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि आपकी जो बीम्स है वो कितने टाइप की होती है तो देखो एक बार यह आप लोगों की आप लोगों की एक कंटिन्यूस बीम है मतलब ऐसी बीम जिसमें दो से ज्यादा सपोर्ट होते हैं ऐसी बीम जिसमें दो से ज्यादा सपोर्ट होते हैं या दो से ज्यादा सपोर्ट पर वो सपोर्टेड होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं दैट इज नोन एज द कंटिन्यूअस बीम ऐसी बीम जो सिर्फ दो एंड पर सपोर्टेड होती है उसे हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम और ऐसी बीम जो एक एंड पर फिक्स होती है दूसरे एंड पर फ्री रहती है उसे हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर बीम और ऐसी बीम जो दोनों एंड पर फिक्स्ड होती है उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड बीम क्लियर है

ओके okay. ओके okay. चलो बेटा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो यहां पे देखो यूडीएल आपको बता रहा हूं मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या लिखा है यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और एक लोड होता है बेटा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मतलब कि यहां पर भी बेटा जो लोड है आप लोगों का वो आप लोगों का धीरे धीरे क्या कर रहा है बढ़ता हुआ जाता है जबकि यहां पर आपका लोड कैसा रहता है यूनिफॉर्म रहता है ये आपका कोई एक पॉइंट लोड है जो एक पॉइंट पर लगता है किलोमीटर की फॉर्म में यहाँ पे आपके पास मैंने क्या बताया डब्लू किलोमीटर पर मीटर की फॉर्म में लग रहा है मतलब हर मीटर के ऊपर डब्ल्यू किलोमीटर लोड लग रहा है तो आपको मैंने बीम बता दी ठीक है उसके बाद मैंने आपको क्या बता दी यहाँ मैं सब कराऊंगा बेटा न्यूमेरिकल कराऊंगा कॉन्सेप्ट कराऊंगा हर एक चीज कराऊंगा तो मैंने आपके एक एक तो टाइप ऑफ बीम बता दी एक आपको टाइप ऑफ लोड्स बता दिया तो देखो बेटा क्लियर हो गया तो लास्ट वाला पॉइंट था आरसीसी अब आरसीसी में हम लोग कुछ बीम्स देखेंगे इनके ऊपर लोड लगे हालांकि ये भी पढ़ चुके लेकिन जिसने सोम नहीं पढ़ा वो भी इसको पढ़ सकता है चलिए आगे चलते हैं अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं सर क्या लिखा हुआ है देखिए आपका किस किस से मिलकर बना है सीमेंट सैंड कोर्स एग्रीगेट और से मिलकर के बना हुआ है या लिखा हुआ है सीमेंट को हम एज अ बाइंडिंग मटेरियल यानी कि एक बंधक पदार्थ की तरह इस्तेमाल करते हैं क्या कह रहा हूं सीमेंट को हम एक बंधक पदार्थ की तरह इस्तेमाल करते हैं सीमेंट को हम एक बंधक पदार्थ की तरह इस्तेमाल करते हैं और और ये और है कौन सीमेंट आपका एक और है यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे का मतलब होता है सेम सेम मॉलिक्यूल जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं जैसे पानी में पानी मिलाऊंगा तो आपके पास क्या बनेगा पानी में पानी मिलाने पर आपके पास में पानी ही बनेगा तो वो एक कोजिब बॉन्ड है और ध्यान रखना कोएजेब बॉन्ड जो होता है ना वो जल्दी से आपस में घुल जाएगा मतलब पानी में पानी घोलोगे कितना देर लगेगा पानी तो बनेगा इस पहले पानी डालोगे फिर उनके बीच में आपस में बातचीत होगी फिर बनेगा नहीं और दूसरा अडेसिव अडेसिव का मतलब सेम अलग अलग मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं जैसे पानी के अंदर नींबू का रस मिला दिया तो तुमने क्या बनेगा शिकंजी बनेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा अडेसिव बॉन्ड बोलेंगे क्या बोलेंगे अडेसिव बॉन्ड बोलेंगे जब भी कभी अडेसिव बॉन्ड बनता है ना बेटा तो एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है ध्यान रखना कोएसिव बॉन्ड जब होगा तो एक ही प्रोडक्ट रहेगा लेकिन जब अडेसन बॉन्ड बनेगा तो हमेशा एक नया प्रोडक्ट तैयार होगा जैसे पानी में पानी मिलाया तो पानी बना लेकिन पानी के अंदर चीनी मिला दी तो मीठा पानी बन गया ठीक है चलिए आगे देखो डिस्कवर्ड इन 1824, 1824, में किसने खोज करी बेटा इसकी जोसेफ ने इसकी खोज करी किसकी सीमेंट की थी? और थोड़ा फास्ट पढ़ना बेटा मेरे नोट्स के अंदर आपको कंटेंट इतना मिलेगा कि आपको कहीं मिलेगा ही नहीं आप चाहे पेड क्लासेस में पढ़ लो चाहे कहीं पढ़ लो इतना कंटेंट मिलेगा लेकिन मेरी क्लास में थोड़ा सा फास्ट पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को ठीक है ना चलिए <coughs> आगे देखते हैं सीमेंट की डेंसिटी कितनी बेटा 1440 केजी पर मीटर की आपके पास सीमेंट डेंसिटी डेंसिटी होती है कोई पूछ ले तो क्या होता है मास पर हालांकि मीटर की क्लास आपकी हो चुकी है तो क्या होता है डेंसिटी इसको हिंदी में घनत्व तो बोलते हैं इसकी वैल्यू होती है मास पर वॉल्यूम। कोई पूछ तो बता दो स्पेस ऑक्युपाइड बाई एनील इन कि हिंदी बात करूं तो, में बारे में काफी चीजें पढ़नी पड़ती है सीमेंट की कैसा पदार्थ है का नेचर कैसा है सीमेंट की खोज किसने करी इसकी डेंसिटी कितनी है हालांकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका वॉल्यूम वो सब अभी पीछे भी बता चुका था आपको मैंने बताया वॉल्यूम क्या चीज है बेटा तो कोई भी मटेरियल जब थ्री डायमेंशन के अंदर अपना कोई भी स्पेस या स्थान को घेरता है स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं वॉल्यूम या आयतन कहते हैं और इसकी यूनिट होती है मीटर क्यू और द्रव्यमान क्या होता है या आयतन क्या द्रव्यमान या मास क्या होता है किसी भी पदार्थ का ग्रेविटी को हटा करके जो क्वांटिटी बचती है क्या कह रहा हूं किसी भी पदार्थ की जब हम लोग देखते हैं और ग्रेविटी को हटा करके जो क्वांटिटी बचती है क्या कह रहा हूं बेटा ग्रेविटी को हटा करके जो क्वांटिटी बचती है उसमें हम लोग कहते हैं मास या द्रव्यमान और इसकी यूनिट होती है बेटा के जी क्या होती है के जी इसकी यूनिट होती है चलिए आगे आ जाते हैं अब देखो एक बार कॉन्क्रीट और आरसीसी के बारे में थोड़ा कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं कॉन््रीट से कंपैरिजन कॉन्क्रीट से हम लोग क्यों आरसीसी के अंदर गए क्लियर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है समझ में आएगा मजा आएगा आप लोगों को एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार फुल एनर्जी से बता दीजिए कि आप लोगों को सारी चीजें जितनी बता रहा हूं समझ में आ रही है मजा आ रहा है वो बीएमसी वाला जो मजा था वो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा और इवन मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं तो आप लोगों को जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी हर एक चीज मैंने लिखी हुई है हर जगह पर कमेंट बॉक्स एक बार दिल से भर जाना चाहिए सिस्टम एक बार हैंग हो जाना चाहिए चलो बेटा क्या लिखा पीसीसी और एक तरफ लिखा है बेटा मैंने आरसीसी क्या लिखा है एक तरफ मैंने लिखा है बेटा एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करें कंक्रीट पीसीसी में सिर्फ क्या चीज है पीसीसी में बेटा सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्क्रीट है क्या है पीसीसी में बेटा सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्क्रीट है लेकिन आरसीसी के अंदर कॉन्क्रीट और स्टील दोनों है अब देखिएगा हमने क्यों अब हमने क्यों बेटा आपका पीसीसी से आरसीसी में गए देखिएगा पहला लिखा है स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन जो आपके पास में कॉन्क्रीट होती है ना बेटा ये आपकी स्ट्रॉग होती है किसके अंदर कंप्रेशन के अंदर कॉन्क्रीट आपकी कंप्रेशन में कैसी होती है बेटा बाबू स्ट्रॉन्ग होती है कंप्रेशन के अंदर ठीक है और वीक होती है किसके अंदर टेंशन के अंदर तो मैंने क्या लिखा स्ट्रॉग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन मतलब कि हमारे जो स्ट्रक्चर है जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल पहले क्या था सर हमारे पास में एक बीम था अब मैं मैं यहाँ पे जितनी भी बातें बताऊंगा बेटा वो एक सिंपली सबोरे बीम को लेकर के बताऊंगा मेरे पास ये येलो कलर का आपको दिख रहा होगा ये इसकी इनिशियल स्टेज है मेरे पास में एक बीम था येलो कलर का बीम था अब क्या किया सर मैंने इस बीम के ऊपर उप... और ये किसका बना हुआ है बेटा ये आपका सिर्फ पीसीसी आप का बना हुआ है मतलब कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट का आपके पास में बना हुआ है बेटा एसएससी में कम से कम 12 से 15 मार्क्स का आता है ठीक है 12 से 15 मार्क्स का आता है एसएससी के अंदर चलिए देखेंगे एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बेटा पहली बात तो लिखा हुआ कि ये आपका स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन मतलब कि ये कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है कौन पीसीसी मतलब कि कॉन्क्रीट जो आपकी वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होती है और टेंशन में वीक होती है अब यहां पर एक बात आपकी लिखी हुई है कि सर एक आपके पास में क्या है एक बीम है और येलो कलर का जो आपको दिख रहा है और ये आपका पीसीसी का बना हुआ है इसके ऊपर मैंने डब्ल्यू कुलटन पर मीटर का यूडीएल लगा दिया अब यूडीएल क्या हुआ रिसेंटली मैंने आपको यहां पे बताया था यूडीएल क्या होता है ठीक है तो यहां पे एक यूडीएल लोड लग रहा है अब यूडीएल डब्ल्यू पर मीटर पे तो यूडीएल लोड जब लगेगा अगर किसी बीम के ऊपर और कैसी है सिंपली सपोर्टेड बीम है क्योंकि आप देख सकते हो दो एंड से सपोर्टेड है इसके बारे में बता चुका था कि सिंपली सपोर्टेड बीम आपकी क्या होती है ठीक है चलिए अब यहाँ पे जब देखा आपने सिंपली सपरेट बीम आपकी लोड लग रहा है और ये आपकी बैंड हो रही है तो बैंड अगर ऑब्वियस सी बात है अगर किसी जगह पर लोड आएगा तो उसमें डिफ्लेक्शन तो आएगा और जब बेटा यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा डिफ्लेक्शन जब आएगा इस जगह पर तो वो कुछ बीम आपकी इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी बात सही है उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा अब मुझे एक बात बताओ कि अगर एक बीम आपकी ऐसे कुछ डिफ्लेक्ट हुई है तो आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि सर ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये अंदर की तरफ अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ कंप्रेस हो रहा है दिख रहा है आप लोगों को ये क्या कर रहा है बेटा ये आपका जो सेक्शन है ये आपका अंदर की तरफ क्या हो रहा है बेटा कंप्रेस हो रहा है कौन कौन एग्री करता है बेटा मेरी बात के साथ और जल्दी से बताइए यहाँ पे कंप्रेशन आएगा कि टेंशन आएगा और नीचे वाला जो पार्ट है ना वो बाहर की तरफ खिंचने की कोशिश कर रहा है आप ध्यान से देखें बाहर की तरफ खिंचने की कोशिश कर रहा है तो बाहर की तरफ खिंच रहा है मतलब इसमें टेंशन जनरेट हो रही है क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर टेंशन जनरेट हो रही तो आपको ध्यान से समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे एक जो पार्ट है उसके अंदर तो क्या आ रहा है आपका कंप्रेशन आ रहा है और दूसरा वाला जो पार्ट है उसके अंदर क्या आ रहा है टेंशन आ रहा है मतलब ऊपर वाले पार्ट में कंप्रेशन आ रही है और नीचे वाले पार्ट में क्या आ रही है सर टेंशन आ रही है अब इस बात को अगर किसी ने समझ लिया तो समझ लो सारा का सारा खेल यहाँ पे सेट हो गया कैसे हुआ सर समझते हैं देखिए बेटा अगर यहाँ पर आपके पास में क्या है अगर बीम थी बीम के ऊपर लोडिंग लगाई गई लोडिंग लगाने के बाद जो आपके पास में ये बीम इस तरीके से बैंड हुई तो इसका दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाले पार्ट में आप अंदर की तरफ जा रहा है मतलब कंप्रेशन आ रहा है नीचे वाला पार्ट जो बाहर की तरफ जा रहा है ठीक है और इस सेक्शन में बीचों बीच में एक एक्सेस होती है जिसे कहते हैं बेटा न्यूट्रल एक्सेस रेड कलर की आपको दिख रही होगी येलो वाली बीम में अब ये न्यूट्रल न्यूट्रेलिस यहां पर आपको ग्रीन कलर से दिख रही होगी जब इस सेक्शन आपका बेंड हो गया तो ये न्यूट्रल एक्सेस आपको ग्रीन कलर से दिख रही होगी दिस इज द न्यूट्रल एक्सेस तो अब क्या हुआ सर जो न्यूट्रल एक्सेस है वो एक ऐसी एक्सेस होती है जिस पर ना तो कंप्रेसिव फोर्स होते हैं और ना ही टेंसाइल फोर्स होते हैं क्या कह रहा हूं बेटा कि एक ऐसी एक्सेस जिस पर ना तो कंप्रेसिव फोर्स होते हैं और ना ही

लेकिन मैंने क्या बोला कॉन्क्रीट किसमें स्ट्रॉन्ग होता है बेटा कॉन्क्रीट आपका कंप्रेशन में कैसा होता है स्ट्रॉन्ग होता है कॉन्क्रीट आपका कंप्रेशन में कैसा होता है सर स्ट्रांग होता है तो कंप्रेशन वाले पार्ट को तो कॉन्क्रीट क्या करेगा संभाल के रखेगा झेल लेगा लेकिन इसके नीचे बेटा जो आपके पास में टेंशन है उस टेंशन को कभी भी कॉन्क्रीट क्या नहीं कर पाएगा झेल नहीं पाएगा और जब ये नीचे वाला सेक्शन न्यूट्रल एक्स के नीचे वाला सेक्शन जब आपके पास में टेंशन में आएगा और इसको ये झेल नहीं पाएगा तो इसमें क्या होगा बेटा क्रैक्स जनरेट होंगे दिख रहे हैं बेटा ये आपके क्रैक्स आपको दिख रहे होंगे उम्मीद कर रहा हूं ठीक है तो बेटा यहां पर क्या होगा यहां पर आप लोगों को क्रैक्स देखने को मिलेंगे क्या देखने को मिलेगा बेटा क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे तो अब हमने क्या सोचा सर हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा था हमने देखा लेकिन यहां पर क्या होगा नीचे आपके क्रैक्स देखने को मिलेंगे लेकिन मैंने क्या बताया था कि जो आपके पास में कॉन्क्रीट होती है बेटा वो ब्रिटल फेलियर को शो करती है तो यहां पर नीचे जब क्रैक्स आएंगे तो ये आपको वार्निंग नहीं देंगे वार्निंग नहीं देंगे क्या करेंगे बेटा डायरेक्ट सडन फेल हो जाएगा सडन फेलियर होगा और इसको हम लोग कहते हैं ब्रिटल फेलियर बात आई समझ में तो अब इसको बचाने के लिए है ना अब इसको बचाने के लिए हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग सर पीसीसी पीसीसी से आरसीसी में कन्वर्ट करेंगे PCC क्यों आपकी फेल हो गई आपको समझ में आई अब हम लोग है आरसीसी के, के साथ में हमने किसको मिला दिया सर? को हमने मिला दिया क्या कर दिया कॉन्क्रीट के अंदर हमने यहां पर स्टील को मिला दिया कॉन्क्रीट के साथ में अब जो आपके पास स्टील होती है बेटा एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं यह आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होती है टेंशन में क्या होती है टेंशन में स्ट्रांग होती है इवन कंप्रेशन में भी काफी हद तक होती है कंप्रेशन में भी स्ट्रांग होती है और टेंशन में भी स्ट्रांग होती है लेकिन ये कमजोर, कमजोर होती है थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है लेकिन फिर भी हम लोग क्या बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इन टेंशन स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन लेकिन मेनली अगर मैं बात करूं तो किसमें होती है बेटा ये होती है वीक इन इन वीकियर वीक होती है बेटा ये आपकी शेयर के अंदर काफी ज्यादा वीक होती है इसलिए आप देखना इसलिए आप देखना बेटा साइड पर जब भी कभी साइड पर जब भी कभी भी हम लोग सरिया को देखते हैं साइड पर जब भी कभी हम लोग क्या करते हैं बेटा सरिए को जब भी कभी भी हम लोग क्या करेंगे बैंड करेंगे क्या कह रहा हूं बेटा जब भी कभी भी हम लोग साइड के ऊपर बेटा हम लोग सरिये को बैंड करते हैं साइड के ऊपर जब भी कभी हम लोग सरिए को बैंड करते हैं या फिर सरिये को काटते हैं ध्यान से समझना सरिये को जैसे हमने काटा तो उसकी एक मशीन होती है तो तुम देखना उसमें क्या होता है जैसे कैंची देखिए आपने कैंची कैंची कैसे काटती है बेटा शीयर एक्शन के थ्रू काटती है तुमने देखा होगा एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट होता है कैंची के एक प्लेट के ऊपर और वो आपस में ऐसे एक्शन करती है कैंची कैंची का पता है ना एक्शन कैसे करती है ऐसे नहीं क्यों वो वन टू वन ऐसे काटेगी समझ रहे हो वन टू वन ऐसे नहीं काटती वो कैसे काटती है बेटा वो ऐसे काटती है दिख रही है आपको कैसे काटती है कैंची ऐसे काटती है आपकी कैंची समझ में आ रहा है आपको कैसे काटती है कैंची ऐसे काटती है तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि जब भी कभी जब भी कभी आपकी कैंची काटेगी तो कैसे काटेगी आपकी ऐसे काटेगी सेम ऐसे ही बेटा क्या होता है जब सरिया काटा जाता है ना तो दो शेयर प्लेट्स के बीच में उसको रख करके दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से चलाया जाता है और वो आपका दो हिस्सों में बढ़ जाता है सरिया ऐसा क्यों होता है क्योंकि फायदा उठाया जाता है उसके वीक होने का शेयर में

देखिए सर आर्थ, अगर मैं बात करूं जो स्टील है ना ये आप लोगों की कैसी मटेरियल होती है ये आप लोगों का डक्टाइल मटेरियल है कैसा है सर ये आप लोगों का डक्टाइल मटेरियल है मतलब कि ये आपको फेल होने से पहले क्या देगा वार्निंग देगा प्रॉपर वार्निंग देख रहे एकदम कितना कंटेंट दमदार है कि नहीं भाई मजा आ अभी तो पढ़ते जाओ तुम देखो क्लास के अंदर मजा आता है कि नहीं आता गर्दा उड़ा देंगे अपन क्लास के अंदर तो देखो बेटा मैंने आपको बोला कि कॉन्क्रीट के अंदर पहले हम लोग पीसीसी में जब कर रहे थे तो क्या हो रहा था कंप्रेशन वाला पार्ट तो स्ट्रोंग था क्योंकि कॉन्क्रीट कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन टेंशन वाले पार्ट में बिना किसी वार्निंग के आपको फेलियर देखने को मिल रहे थे ठीक है तो इस वजह से फेल हो गया अब हमने क्या किया सर इसमें हमने क्या किया यहां पे हम लेके आए अब जो कमजोर पार्ट है उसी को तो तुम स्ट्रॉन्ग करोगे कि नहीं करोगे जो कमजोर पार्ट है बेटा उसी को तो स्ट्रोंग करोगे तो कमजोर पार्ट कौन सा रह गया था हमारा टेंशन वाला पार्ट हमारा कमजोर रह गया था तो यहां पर हमने क्या किया

अब इसके अंदर यहाँ पर बेंडिंग भी देखने को मिलेगी बिल्कुल मिलेगी सर लोड आएगा तो सी बात है बेंडिंग तो आएगी ही आएगी लोड आएगा तो बेंडिंग तो आएगी ही आएगी बिल्कुल सही बात है लेकिन सर अब यहां पर अब यहां पर सर लेकिन आप लोगों को जो पहले दिक्कत दिखाई दे रही थी मतलब पहले जो इसके अंदर आप लोगों को बेंडिंग दिखाई दे रही बेंडिंग के टाइम पर जो आप लोगों को टेंशन में क्रैक्स दिखाई दे रहे थे अब वो क्रैक दिखाई नहीं देंगे ठीक है तो समझना इस बात को ध्यान से कि सर अगर लोडिंग लगाई हमने तो लोडिंग लगाने के बाद बेंडिंग तो होगी ऊपर वाले पार्ट में कंप्रेशन आएगा नीचे वाले में टेंशन आएगा लेकिन इस बार आपका जो टेंशन जो टेंशन वाला पार्ट है वो अब फेल नहीं होगा क्यों नहीं होगा सर क्योंकि हमने यहां पर सरिया प्रोवाइड करा दिया है क्योंकि क्या होगा सर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल चीज समझ में आई आपको मान लीजिए सर आपके पास में लोडिंग आई तो कंप्रेशन में किसने बचा लिया कंप्रेशन में तो कंक्रीट ने बचा लिया और जो टेंशन है उसमें किसने बचा लिया स्टील ने कैसे बचा लिया सर क्योंकि स्टील जो होती है वो डक्टाइल फेलियर होती है देखना इस बात को

कहीं पे भी ठीक है तो बेटा वहां पे डैमेज हो जाएगा लेकिन अगर सरिये को तुम मोड़ना चाहो हाथ से तो नहीं मुड़ेगा हो सकता है तुमसे लेकिन फिर भी सरिये को तुम मोड़ना चाहो किसी मशीन से या किसी जगह से किसी चीज किसी की हेल्प से तो वो मुड़ जाएगा सरिया बेटा जो सरिया होता है ना वो टीएमटी प्रोसेस से बनता है टीएमटी प्रोसेस क्या होती है मतलब कि थर्मो थर्मोमेकैनिकली ट्रीटेड प्रोसेस मतलब कि क्या होता है किसी भी एक जैसे आयरन से हम लोग बना रहे हैं तो क्या करते हैं आयरन को ना हम लोग उसका कैल हम लोग उसका कैल्सिनेशन करते हैं मतलब सरीये को लाल होने तक गर्म करते हैं क्या करते हैं बेटा शरीर को तप्त लाल होने तक एकदम खतरनाक तरीके से गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद उसको बहुत ही ज्यादा ठंडे पानी के अंदर डाल दिया जाता है जब आप किसी बहुत ज्यादा गर्म मटीरियल को बहुत ज्यादा ठंडे पानी के अंदर डाल देते हो बहुत ज्यादा गर्म मटीरियल को जब बहुत ज्यादा ठंडे पानी के अंदर डाल देते हो तो उसका जो आउटर सरफेस होता है वो तो बेटा बहुत जल्दी से सूख जाता है हार्ड हो जाता है लेकिन उसके अंदर का जो पार्ट होता है जिसको मतलब कि वो लचीला रह जाता है इस वजह से सरिया बेटा आपका बाहर से तो कैसा है हार्ड है और अंदर से कैसा है बेटा आपका वो होता है और इसी वजह से वो किस करता है नेचर को शो करता है मतलब कि वो सरिया मुड़ जाएगा लेकिन फेल नहीं होगा अचानक से फेल होने से पहले आपको प्रॉपर इंडिकेशन वार्निंग देगा तो समझ में आया बेटा कि हम लोग इन डक्टाइल मटेरियल्स का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है टेंशन टेंशन में में इसको बचाना है है और टेंशन में हमारा जो स्टील होता है, वो कैसा होता है स्ट्रांग होता है तो इसलिए हमने क्या करा जो इस बीम का टेंशन वाला पार्ट था उस टेंशन वाले पार्ट में हमने क्या डाल दिया सर हमने यहां पर सरिया डाल दिया हमने यहां पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा दिया बात आई समझ में क्यों प्रोवाइड कराया और मैंने आपको बताया बेटा कि ये क्या होता है एक बहुत अच्छा एक बच्चे लिखा क्वेंचिंग प्रोसेस होती है ये तो वहां पर क्या करते हैं टीएमटी मतलब थर्मोमेकेनिकली ट्रीटेड करके उस सरिये को बनाते हैं मुद्दा समझ में आ गया सर चलिए तो ये मैंने बोल दिया कि सर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं हैं रेनफोर्समेंट हमने जो ब्लू कलर का प्रोवाइड कराया है इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर रेनफोर्समेंट इसको हम लोग बोलते हैं अगर इसी बीम को मैं कहीं और ऐसा थोड़ी कि सिर्फ एक ही बीम प्रोवाइड करा एक ही सरिया प्रोवाइड करा नहीं इस सरिये के पीछे और भी सरिये रखे हुए एक सरिया दो सरिया तीन सरिया चार सरिया पांच सरिया छह सरिया तो इस सरिये के पीछे बहुत सारे आपके पास में सरिये जो है रखे हुए क्या कह रहा हूं बहुत सारे सरिय के पीछे रखे हुए हैं लेकिन अगर उसको मैं कहीं से भी काट दू जैसे आपके पास में ये पेन है अब इस पेन को मैं सामने से दिखाऊं तो बेटा ऐसा ही दिखेगा जैसा तुम्हें तो दिख रहा है ये आपका पेन ऐसा दिखेगा लेकिन अगर इसी सर इसी को मैं यहां से काट दूँ कहीं से भी काट दू और फिर तो मैं यहां से दिखाऊं मैं इसको तो कैसा दिखेगा तो मैं एक राउंड सर्कल ऐसा दिखाई दे रहा होगा तो सेम ऐसे ही अगर मैं सरिये को यहां से देख रहा हूं बेटा तो सरिया आपका कुछ ऐसा दिख रहा है लेकिन अगर सरिये का क्रॉस सेक्शन देखूं मैं काट इसको कहीं से भी काटूं और काटने के बाद यदि इसका क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि नहीं देगा दिखा, बिल्कुल दिखाई देगा सर तो ये में में सरिये का देखो ये सरिये का ये वाला हिस्सा है और ये वाला सरिये का ये वाला हिस्सा है ठीक है तो इसका क्रॉस सेक्शन अब देखो सरिया आपका राउंड होता है तो इस वजह से यहाँ पे राउंड दिखा रखा है और ये आपकी पूरी की पूरी क्या है बेटा स्टील है तो हमने क्या किया सर हमने क्यों इस जगह पर पीसीसी से से आरसीसी में कन्वर्ट किया आई होप आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा ठीक है क्लियर है बेटा तो अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के ऊपर अगर कोई लोड आ रहा है तो वो लोड जब आपका ट्रांसफर होगा समझ रहे इस बात को जब कोई लोड आ रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर तो उसकी वजह से क्या होगा आपके पास जो बीम है आपका वो बेंड हो जाएगा और जब बीम आपका बेंड होगा तो उसके अंदर कंप्रेशन और टेंशन दोनों जनरेट होंगी यहां पर सिर्फ कंप्रेशन में कंक्रीट स्ट्रांग था इसलिए कंप्रेशन में तो इसने इसको बचा लिया खुद को लेकिन टेंशन में वीक होने के कारण टेंशन में यहां पे सडन फेलियर देखने को मिला इसी फेलियर से बचाने के लिए अब अब क्या होगा हमारे ऊपर तो पूरा पूरा बीम गिर जाएगा अगर मान लो घर में कोई डैमेज आया कोई लोड आया तो बीम तो पूरा पूरा गिर जाएगा नुकसान हो गया पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी लेकिन अगर हम लोग ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करें कि जो फेल होने से पहले वार्निंग दे दे अब ये वार्निंग कैसे देगा देखो बेटा सरिए के चारों तरफ क्या चिपक रहा है कॉन्क्रीट चिपक रहा है मतलब जो आपके पास जो ये बीम है इस बीम के अंदर सरिया भी है इस बीम के अंदर कॉन्क्रीट भी है तो जो और जो कॉन्क्रीट है वो सरिए के चारों तरफ मजबूती से चिपका हुआ है तो बेटा जब एक बीम के अंदर जब बेंडिंग होगी जब सरिया आपके पास जो सरिया होगा इसके ऊपर भी सरिया जो है इसके चारों तरफ जो आपकी कॉन्क्रीट चिपकी हुई है तो जब ये लोडिंग आएगी तो बेटा लोडिंग ना सिर्फ कॉन्क्रीट के ऊपर आएगी सरिये के ऊपर भी आएगी और सरिए से लोड ट्रांसफर होंक्रीट पे कॉन्क्रीट से लोड ट्रांसफर हो सरिए तो क्या होगा सरिया जब लोड लेगा ना तो सरिया ना कॉन्क्रीट को फेल नहीं होने देगा सरिया क्योंकि के उपर, के ऊपर साथ चिपका हुआ है तो सरिया आपका वहां मुड़ जाएगा और जब सरिया मुड़ जाएगा तो वो टूटा नहीं है लेकिन वो बैंड हो गया है हालांकि बीम आपकी डैमेज जरूर होगी लेकिन आपके ऊपर ग्रेगी नहीं तो ग्रेगी नहीं तो वहां पर प्रॉपर वार्निंग दे दी फेल होने से पहले और जो आपका कॉन्क्रीट है ना वो इस सरिय के सारे 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 धीरे धीरे फेल होगा क्या कह रहा हूं सरिये बेटा सारे सारे धीरे धीरे फेल होगा और इसी फेलियर को हम लोग डकटाइल फेलियर कहते हैं क्या कहते हैं बेटा इसी फेलियर को हम लोग फेलियर यहां पर कहते हैं उम्मीद कर रहा हूं सब कुछ ढंग से होगा जबरदस्त का, में एक बार तरीके का आ जाना चाहिए क्यों स्टील का ही इस्तेमाल कर रहे हैं आरसीसी के अंदर हम कोई और का क्यों नहीं कर रहे, हैं? और देख रहे हो बेटा कितने सारे क्वेश्चन आपके बनके तैयार होते जा रहे हैं ठीक है थीके? चलिए देखो पे क्या लिखा हुआ है बेटा पहला रेनफोर्समेंट के रूप में स्टील का इस्तेमाल क्यों करते हैं है? किसी और मटीरियल का इस्तेमाल हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे या क्यों नहीं करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि आपके पास स्ट्रेन जो होता है स्ट्रेन का मतलब क्या होता है चेंज इन अपॉन ओरिजिनल मतलब अगर सरिया मुड़ भी रहा है ना अगर सरिया बेटा मुड़ भी रहा है ना तो सरिया अगर किसी जगह पर अगर सरिया मुड़ भी रहा है तो इसका मतलब वहां पर भी वो स्ट्रेन को जनरेट कर रहा है स्ट्रेन मतलब उसके अंदर विकृति स्ट्रेन का मतलब है विकृति मतलब कि अगर किसी जगह पर लोड लगा मान लो मेरे हाथ में किसी ने ऐसे लोड लगाया तो मेरे हाथ की जो मसल्स हैं वो थोड़ी सी देखो एकदम चेंज हो रही है हो रही है ना बेटा तो अगर किसी जगह पर लोड लग रहा है तो डेफिनेट सी बात है उस जगह पे स्ट्रेन तो आएगा मतलब विकृति होगी डिफॉर्मेशन आएगा ये सारी चीजें तो आएंगी ही आएंगी तो यहां पर लिखा हुआ है सर कि स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ

देखो बेटा अगर आपने पी लोड से इसको खींचा मान लीजिए इसकी लेंथ पहले कितनी थी आपके पास में एल ही थी और अगर जब इसने जब आपने इसको खींचा तो यही वैल्यू आपकी क्या हो गई सर धीरे 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 यहां तक आपके आगे बढ़ गई ठीक है क्या हो गया सर पी लोड से खींचने पर इसकी जो वैल्यू है वो एल लेंथ से बढ़ गई मतलब इसके अंदर डेल एल चेंज हो गया क्या हो गया सर डेल एल चेंज हो गया तो अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि इसके अंदर सर स्ट्रेन कितना आया तो वो स्ट्रेन आया चेंज इन लेंथ चेंज इन लेंथ कितना हुआ सर डे एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी थी एल तो यहाँ पे आपके पास में खींचने पर समझ में आया बेटा कि खींचने पर क्या हुआ खींचने पर जैसे आपके पास में पहले इसकी लेंथ मान लीजिए कितनी थी पहले इसकी लेंथ मान लीजिए एल लेंथ थी इसकी पी लोड से खींचने पर है ना मतलब पैलेस की लेंथ और इनिशियल है ओरिजिनल लेंथ इसकी एल थी जब मैंने पी लोड से इसको खींचा तो पी लोड से खींचने पर इसकी जो लेंथ हो गई वो अब यहाँ पे कितनी होगी बेटा आपके पास वो आपकी एल मतलब इतनी लेंथ होगी इतनी लेंथ आपके पास में होगी ठीक है खींचने के बाद खींचने के बाद तो तो ये ये था और उसमें डिस्टेंस का क्या हो गया यहाँ गया बेटा पे स्ट्रेन आ फाइनली ये जो वैल्यू बढ़ी इसको स्ट्रेन बोलेंगे ठीक है अब देखो बेटा एक आपने सोम के अंदर थर्मल स्ट्रेसेस पढ़े होंगे और थर्मल स्ट्रेसेस में आपने जरूर पढ़ा होगा कि एल अल्फा डेल्टा टी क्या पढ़ा होगा बेटा एल अल्फा डेल्टा टी आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा L क्या सर एल इज देंथ ऑफ द बीम एब लेंथ ऑफ द बीम है एल्फा क्या सर थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशियंट है जिसे हम लोग ऊष्मा प्रसारीय गुणांक भी बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा इसे हम लोग बोलते हैं ऊष्मा प्रसारीय गुणांक क्या बोलते हैं बेटा ऊष्मा प्रसारीय गुणांक भी इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में ठीक है तो ये आपका थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशियंट होता है और डेल्टा टी क्या है चेंज इन द टेम्परेचर तो देखो बेटा यहाँ पे एक चीज़ क्लियर क्लियर समय समझ में आ रही है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आप लोगों का जो एक्सपेंशन है वो बढ़ता हुआ चला जाता है और ये सब कुछ आपका एल्फा के ऊपर डिपेंड कर रहा है जैसे कि आप अगर ध्यान से देखोगे तो एल्फा फॉर अलग अलग मटीरियल के अगर मैं एल्फा देखता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया सर एक जगह पे स्टील को नहीं मिलाया कॉन्क्रीट और कॉपर को आपने मिला दिया उससे उसको समझने से पहले हम लोग पे ये समझते हैं कि आपके पास में अल्फा ऑफ द कॉन्क्रीट की जो वैल्यू है वो आपके पास ग्यारह इंटू दस की घाट माइनस है देखो पहले तो याद कर लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉन्ट का अल्फा कितना होता है इलेवन इंटू ट्वेंटू फॉर माइनस सिक्स फॉर डिग्री सेल्सियस अल्फा ऑफ स्टील कितना होता है बारह से तेरह लगभग बारह से तरह टेन टू पॉर माइनस सिक्स फॉर डिग्री सेल्सियस कॉपर ऑफ द अल्फा ऑफ द कॉपर कितना होता है सत्रह इंटू ट्वेंटी वोर माइनस सिक्स फॉर डिग्री सेल्सियस उसके बाद में अल्फा ऑफ द अल्यूनियम कितना होता है तेईस इंटू टेन्नस सिक्स फॉर डिग्री सेल्सियस मतलब कि अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों का थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशियन कैसा है ऑलमोस्ट इक्वल है कैसा है सर ऑलमोस्ट यहां पर जो थर्मल एक्सपेंशन का है वो ऑलमोस्ट इक्वल है मैं पूरी तरीके से इक्वल नहीं बोलूंगा लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल है क्योंकि को, क्योंकि कोई मटेरियल का जो आपके पास अल्फा होता है वो सेम हो ही नहीं सकता ठीक है बेटा तो हमने क्या समझाया अल्फा ऑफ द कंक्रीट कितना है अल्फा ऑफ द स्टील कितना है अल्फा ऑफ द कॉपर कितना है अल्फा ऑफ द एल्यूमिनियम कितना है ये सब मैंने आपको बता दिया मान लो अगर आपने कॉन्क्रीट और स्टील को ना ले करके आपने किसी दो अलग मटेरियल को ले लिया होता है स्टील और कॉन्क्रीट कॉपर या कॉन्क्रीट को तो देखो कॉपर का आपके पास में कितना है सत्रह और कॉन्क्रीट का कितना है ग्यारह मतलब दोनों का थर्मल एक्सपेंशन में बेटा जमीन आसमान का अंतर है ठीक है ठीक है तो आपके पास जमीन आसमान का अंतर है किसके अंदर अगर मैं देख रहा हूं यहां पर स्टील और सॉरी कॉपर uh, और कॉन्क्रीट के थर्मल एक्सपेंशन ऊष्मा प्रसार गुणांक के अंदर जमीन आसमान का डिफरेंस है तो अगर मान लो इसको मैं गर्म करूंगा क्या करूंगा अगर इसको मैं गर्म करूंगा तो क्या होगा ट तो अलग टाइम पर फैलेगा क्योंकि इसका गुणांक एल्फा की वैल्यू अलग है और कॉपर आपका अलग टाइम पर एक्सपेंड करेगा अलग टाइम पर फैलेगा तो अलग टाइम पर फैलने दोनों के अलग अलग टाइम पर एक्सपेंड करने के कारण से ये फैलने के कारण से ये एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे मतलब इसमें खींचाता चलती रहेगी और जिसके कारण से स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ जाएंगे लेकिन अगर मैं एक ऐसा मटेरियल का इस्तेमाल करूं जिसका थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशन लगभग 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 बराबर है तो वो क्या होगा उस जगह पर अगर यहाँ पे अगर आप इसको गर्म करेंगे तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगभग लगभग सेम टाइम पर एक्सपेंड होने की कोशिश करेंगे और वहां पर कोई खींचा नहीं होगी जिसके कारण से यहाँ पे कोई भी क्रैक्स जनरेट नहीं होंगे इसीलिए हम लोग एल्फा ऑफ द कॉन्क्रीट एंड एल्फा ऑफ स्टील के लगभग बराबर होने के कारण से यहां पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं स्टील के रूप में सिर्फ और सिर्फ या रेनफोर्समेंट के रूप में सिर्फ और सिर्फ स्टील इस का इस्तेमाल करते हैं आई होप आपको समझ में आएगा जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में ही बता दीजिए और यहां पर बेटा एक्सप्लेन किया हुआ है कॉन्सेप्ट नोट्स आप पढ़ोगे सबको समझ में आएगा तो देखो एक बार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एनी मटीरियल दैट कैन टेक टेंशन में बी यूज एट द रेनफोर्समेंट बेटा इनको पढ़ोगे बहुत बहुत बेसिक और बहुत ही आसान आसान हिंदी लिखी आसान लिखी हुई हुई इंग्लिश है मैं लिखा कोई भी मटेरियल जो टेंशन ले सकती है उसे हम लोग रेनफोर्समेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब कोई भी मटेरियल जो कि टेंशन को लेने में सफिशियंट है टेंशन को लेने के कैपेबल है तो उसे हम लोग एज अ रेनफोर्समेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि स्टील हो गया एल्यूमिनियम है कॉपर है प्लास्टिक है फाइबर है बैम्बू वगैरह इन सारी चीजों को स्टील इज मोस्ट प्रबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन स्टील ही क्यों इस्तेमाल करी उसका सिर्फ एक रीजन नहीं है और भी रीजन है आपके पास तो देखो यहां लिखा हुआ है इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अदर मटीरियल ऐसा नहीं है तुम चांदी इस्तेमाल कर लिए तुम तुम बहुत अमीर हो तो तुम सोना इस्तेमाल करोगे नहीं कर पाओगे ठीक है दूसरा लिखा हुआ हाई टेंशियल स्ट्रेंथ इसकी टेंशियल स्ट्रेंथ हाई होती है स्टील की और जो थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशियंट होता है लगभग कॉन्क्रीट के थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशेंट के बराबर होता है तो ये बातें बेटा आपको ध्यान रखनी थी आपने आई होप याद भी कर ली होंगी समझ में आ गया चलिए सर अभी हम लोग देखेंगे बेटा जब हम लोग कॉन्क्रीट में पढ़ेंगे तो कॉन्क्रीट और स्टील के अंदर क्या क्या चीजें देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे देखिए बेटा हमने कॉन्क्रीट के बारे में तो डेंसिटी पढ़ ली कि सर पीसीसी की जो डेंसिटी होती है वो 2400 सौ के जी पर मीटर क्यूब होती है और आपके पास जो जो आरसीसी की डेंसिटी होती है वो पच्चीस सौ पर मीटर क्यूब होती है लेकिन साथ के साथ स्टील के बारे में थोड़ी सी बात करूं तो लिखा हुआ है पहली बात तो जो स्टील होती है बेटा इसकी डेंसिटी सात हजार आठ सौ पचास के जी पर मीटर और स्टील का जो आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना तो देवेश ज्वाइन कर सकते हैं जैसे भाई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल क्लास का इंफॉर्मेशन आपके डाउट सोल्यूशन हर एक चीज में आपको यहां पर करता रहता हूं ठीक है चलिए जल्दी से बताएंगे बेटा जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जल्दी से बताएंगे एक बार कॉमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है आप लोगों को और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा चलिए बढ़ते हैं आगे सर यहाँ पर एम का मतलब क्या है बेटा का मतलब इस जगह पर मिक्स है और 20 का मतलब इस जगह पर करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट द एट द रेट ऑफ 28 डेज पर आपके पास में है जहां पर हम लोग 28 दिन की क्योरिंग करने के बाद में इसकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी आ रही अब क्या होता है करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसके बारे में भी आगे बात करेंगे पहले इसको समझिए कि जब हम लोग कंक्रीट की बात करेंगे कंक्रीट एक बेटर मटीरियल है और एक स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेशन में ग्रेड्स की बात करूंगा तो एम ट्वेंटी ग्रेड हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल के तौर पर हमने एम ट्वेंटी ग्रेड को ले लिया यहाँ पे एम स्टैंड करता है मिक्स के लिए ये क्वेश्चन भी exam में आ चुका है, और किस किसको शो करता है और क्यूब कितने का बनाया मैंने क्यूब बनाया और उस क्यूब को मैंने अट्ठाईस पर रखा जिसके अंदर वन रेशियो थ्री का मैंने सीमेंट और सेंड का इस्तेमाल किया उसको मैंने अट्ठाईस दिन की क्यों पर रखा अट्ठाईस दिन की क्यूरिंग पर रखने के बाद उसको सी टी एम यूटीएम मशीन में रखने पर उसका जो लोड आया वो मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ आई वो कितनी आई ट्वेंटी न्यूटन पर एम एम

नेक्स्ट है स्टील जो है आपके पास वो डक्टाइल मटेरियल है टेंशन में मटीरियल होती है पे हम लोग जनरली दो तरीके की स्टील का इस्तेमाल करेंगे एक आपके पास में है एक है माइल्ड स्टील एफ फिफ्टी और एक है आपके पास में दैट इज एच वाई सी देखो एक बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा फास्ट कीजिए बेटा देखो फास्ट मत भागो मेरे पास आठ दिन है और मैं आठ दिन के अंदर आपको हर एक चीज बताऊंगा जो बच, जो फास्ट भागना चाहता है बेटा वो फास्ट मोड पर बाद में देख लेना मैं आपको क्लियर कह रहा हूं लेकिन जिसको सच में पढ़ना है बेटा कंटेंट देगा बेटा हम इसको हवा में नहीं उड़ा रहा हूं मैं इसको हवा में नहीं उड़ा रहा हूं सब्जेक्ट को मैं इसके अंदर आपको कंटेंट दे रहा हूं और वो कंटेंट दे रहा हूं जो आपको कोई नहीं दे रहा होगा आपको किसी क्लास में पढ़ने को नहीं मिलेगा तो इसलिए प्लीज मेरे साथ धैर्य बनाए रखें अभी स्टार्टिंग है पहला दिन है और ऑलरेडी आज क्लास लेट हो गई थी अदरवाइज मैंने इस क्लास में शुरू से स्पीड बना के रखना चाहता था तो यहाँ पे देखो बेटा मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको तो ये आपके पास माइल्ड स्टील है एफ ई टू फिफ्टी उसके थी थी में दो ग्रेड आएंगे एफ ई फोर वन फाइव हंड्रेड आज कल एफ ई फाइव फिफ्टी भी इस्तेमाल हम लोग करने लगे हैं लेकिन अभी तक हम लोग किताबों में इन्हीं के बारे में डिस्कशन करते हैं ठीक है, है? साइट पर हम लोग एफ ई फाइव एफ ईव फाइव जीरो एफ ई फाइव फाइव जीरो एस डी और एफ ई फाइव फाइव जीरो डी इन दोनों का इस्तेमाल करने लगे हैं ठीक है चलिए अब आगे देखेंगे बेटा ये आपके पास ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट को कैसे पहचानेंगे ये मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कुछ आई एस कोड एग्जाम में आपसे एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे बेटा एग्जाम में आप लोगों से डायरेक्टली पूछे जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है सर? ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट द फॉलोइंग कैटेगरी पहले तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं एग्जाम में अगर हमसे कॉन्क्रीट की ग्रेड्स के बारे में पूछेगा तो कॉन्क्रीट की कौन कौन सी ग्रेड होती है ठीक है देखो बेटा क्या लिखा हुआ है इस जगह पर कंक्रीट की ग्रेड को आई कोड स्कोर फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड के आधार पर तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है पूछे आपके पास में ऑर्डनरी कॉन्क्रीट कि में, में कितनी ग्रेड्स आती है तो बेटा तीन ग्रेड्स आपकी आती है ठीक है ऑर्डनरी कॉन्क्रीट में कितनी ग्रेड्स आती है नेक्स्ट कोई पूछे स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट में <coughs> तो पहले क्या होता था बेटा ये जो आपकी ग्रेड थी पहले एम ट्वेंटी फाइव से एम फिफ्टी फाइव तक हुआ करती थी मतलब कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहां पे पहले सेवन ग्रेड्स हुआ करती थी पहले पहले लेकिन लेकिन बेटा इस जगह पर और उसके बाद स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट जो होती थी एम पच्चीस से एम पचपन तक ये चलती थी और एम साठ से लेकर के और उससे ऊपर तक वैल्यू ये चलती थी लेकिन जब ये रिवाइज हुआ 2013 के अंदर फोर्थ अमेंडमेंट या फोर्थ फंडामेंटल के अंदर अमेंडमेंट के अंदर जब ये चेंज हुआ तो ये जो आपके पास में स्टैंडर्ड वाली थी अब देखो मैंने एरो लगा रखा है स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट आपकी एम ट्वेंटी से एम सिक्सटी तक होगी तो जब ये एम ट्वेंटी से एम सिक्सटी तक हुई तो पहले ये कितनी ग्रेड थी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन लेकिन अभी कितनी ग्रेड हो गई आपकी एट ग्रेड्स हो गई

पहले क्या था और अब क्या था ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो ऐसा ना लगे आपको कि सर हमने जो पढ़ा था वो आप पता नहीं क्या चीज चल रही है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा और जल्दी से एक बार देखेंगे क्या मैंने बताया तीन तरीके का आपकी कॉन्क्रीट है ऑर्डनरी है स्टैंडर्ड है और हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट है ठीक है थी? लेकिन अब फिलहाल में फिलहाल जो कंडीशन चलती है एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे बेटा वो इसके अकॉर्डिंग आपके बनेंगे पहले आपका एम टेन से एम ट्वेंटी तो पहले जैसा ही है स्टैंडर्ड स्टैंडट पहले एम पच्चीस से एम पचपन थी लेकिन अब एम पच्चीस से एम साठ हो गई है और हाई स्ट्रेंथ स्टैंड एम साठ से लेकर के और उसके ऊपर थी लेकिन अब आपकी एम पैसठ से लेकर के एम सौ तक हो गई है उम्मीद कर रहा हूं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कुछ आई कोड बेसिक आई कोड जो एग्जाम में आपको याद होनी चाहिए तो आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई कोड वन और रिकमेंड गाइडलाइंस फॉर द काक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए आपका इस आई कोड का इस्तेमाल होगा और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा पूछा जा चुका है आई कोड वन जीरो टू सिक्स टू आपका कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन के लिए रिकमेंडेशन आपको प्रोवाइड करवाता है नेक्स्ट देखेंगे सर क्या क्या लिखा हुआ आई एस कोड वन एट नाइन थ्री टू थाउजेंड टू इस ये आपको अर्थ को एक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर के बारे में आपको नॉलेज देता है नेक्स्ट है आईएस कोड 139201993 ये डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ द रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू द सिस्मिक सोर्स जब इसके ऊपर सिस्मिक लोड्स लगते हैं तो उस टाइम पर रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर की डक्टाइल डिटेलिंग के लिए इस कोड का इस्तेमाल करते हैं फिर आगे सेम ऐसे 33701965 तो इन आईएस कोड को बेटा आप आराम से पढ़ लेना नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जैसे आपका प्रैक्टिस ऑफ द कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ द लिक्विड जैसे हम लोग वाटर टैंक वगैरह वाटर एग्जाम में कोई पूछ ले आपसे कि सर वाटर टैंक है आपके पास में या फिर कोई आपसे पूछ ले सर कि एक ऐसा हमें स्ट्रक्चर बना है जिसमें हमें वाटर को स्टोर करके रखना है तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर जिसमें वाटर को या लिक्विड को स्टोर करके रखना चाहते हैं उस जगह पर अगर आपके पास कोई आइस कोड यूज होगा तो आई कोड थ्री थ्री सेवन जीरो होगा आइएस कोड फोर आई एस पार्ट वन का इस्तेमाल हम लोग माइल्ड स्टील और मीडियम टेंसाइल स्टील बार्स की स्टडी uh, के लिए करते हैं आइस कोड वन का इस्तेमाल हाई स्टैंड डिफाउ बार के लिए करते हैं आइस कोड वन का इस्तेमाल हैंड ड्रॉन स्टील वायर्स फैब्रिक कंफर्मेशन के लिए आई ग्रेड ए ऑफ द आई कोड 2062 के लिए हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील कंफर्मेशन को पढ़ते हैं ठीक है थीके? तो ये बेटा आपको याद करने पड़ेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ठीक exactly, है नेक्स्ट आपके पास आई का इस्तेमाल पीसीसी और आरसीसी दोनों के लिए किया जाता है फोर्थ रिवीजन वाला आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट है आई कोड एट सेवन फाइव का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पार्ट वन से लेकर के फाइव तक और ये 1987 के अंदर बनाया गया था इसमें हम लोग है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन लोड मतलब कि अर्थ को एक लोड को छोड़ करके बाकी सारे लोड्स के लिए हम लोग करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है पार्ट वन डेड लोड के लिए पार्ट टू इम्पोज लोड पार्ट थ्री लोड ये इसको हम लोग लाइव लोड भी बोल सकते हैं पार्ट फोर लोड पार्ट फाइव स्पेशल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो बेटा ये एग्जाम आपको ठीक है सर अर्थक् को किससे मापते हैं ठीक है बेटा रिएक्टर पे नापते हैं रिएक्टर जो स्केल होता है उसके ऊपर नापते हैं अर्थक्वेक को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो अब देखो अगर एग्जाम में कोई पूछता है आपसे कि कौन कौन से आई एस कोड सर पहले चल रहे थे और किस हिसाब से चल रहे थे तो देखेंगे एक बार सबसे पहले क्या लिखा हुआ है डिजाइन फिलोफॉफी ऑफ द आरसीसी तो यहां तक बेटा जितना मैंने पढ़ा एक बार थोड़ा जल्दी से फास्ट फास्ट मैं आपको दिखाता हूं मैंने क्या क्या आपको बताया देखो बेटा स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था तो लोड कैसे ट्रांसफर होता है बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका आरसीसी आप का और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं किसने खोज करी आरसीसी की और बाकी चार लोग कौन थे इसके बारे में बताया तो दैन उसके बाद पीसीसी क्या है उसके एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज क्या है डेंसिटी क्या है मैग्जिम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या है आरसीसी क्या चीज़ है आरसीसी में कैसे बनती है आरसीसी इसकी डेंसिटी क्या होती है उसके अलावा पॉइंट लोड मतलब टाइप ऑफ द लोड टाइप ऑफ द बीम आपको समझा दिया देन उसके बाद आपके कॉन्क्रीट क्या क्या होती है वॉल्यूम डेंसिटी द्रव्यमान या मास वगैरह किसने खोज करी इसका मटेरियल कैस कैसा मटेरियल होता है किसके फॉर्म में जैसे ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इसको एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करते हैं ठीक है डेंसिटी इसका वॉल्यूम वगैरह सब कुछ फिर मैंने बताया पी और आर तो पी से आर में हम लोग कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे गए Uh, कैसे इस जगह पे हम लोगों ने ट्रांसफर किया पीसीसी का इस्तेमाल क्यों बंद हो गया आरसीसी का इस्तेमाल क्यों ज्यादा हो गया ये आपको मैंने रीजन बताया देन उसके बाद में हम लोग क्यों रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल करते हैं स्टील के अंदर तो थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशियंट से मैंने आपको बताया चार मटेरियल के थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशियंट बताए और इसका प्रॉपर रीजन बताया कि क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशियंट बराबर होने के कारण से स्टील का ही तो वो मैंने आपको बताया फिर तीन इसके मेन रीज़न बताइए कि क्यों हम लोग आर के अंदर स्टील का इस्तेमाल करें देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे आप पढ़ लेना इसको तो कि ऑब्जेक्टिव क्या है कोई भी डिजाइन कर रहे हैं हम लोग आर का तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ सर्विसबिलिटी इकोनॉमी और एस्थेटिक्स इनका हम लोग ध्यान रखते हैं देन उसके बाद मैंने आपको बताया कॉन्क्रीट की ग्रेड और स्टील की ग्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके बाद टाइप ऑफ द ग्रेड जो ग्रेड का क्लासिफिकेशन है कॉन्क्रीट की ग्रेड का जो क्लासिफिकेशन है वो आप लोगों को मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कैसे आपसे पूछा जाएगा ठीक है देन उसके बाद कुछ बेसिक आय कोडल और ये आपको अमेंडमेंट भी बता दिए कि यहां से कैसे इसको फाइनली किया गया ये लेटेस्ट है बेटा ये आपके पास में क्या है ये लेटेस्ट है आपका ठीक है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे बेटा अभी तक जितना भी पढ़ाया मैंने सब कुछ आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया और अभी तक जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया बेटा आप मुझे इस नंबर पे इस टेलीग्राम नेम पे साहब पीडब्ल्यू पे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं सर तो यहां से पढ़ने के बाद अब देखिए क्या हुआ सर अब यहां पे समझने की कोशिश करना क्या हुआ सर सबसे पहले जब सबसे पहले हम फिलोसफी की बात कर रहे हैं सबसे पहले दुनिया में एक आई कोड आया था दुनिया में एक आई कोड आया बेटा और उसको हमने क्या बोला उसे हमने बोला 1950, पहले तो हम लोग बी का मतलब समझे बी आई एस की फुलफॉर्म एग्जाम में पूछी आती है एंड दैट इज ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड इसे हम लोग बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सबसे पहले नाइनटीन के अंदर एक आई कोड आया था

दिया हुआ 1978 के अंदर और इस टाइम पर इस आई एस को एक नया नाम दे दिया गया आई एस स्कोर फोर फाइव सिक्स नाइनटीन एट और इसे हमने एल एस एम मेथड नाम दिया लेकिन फिर भी एल मेथड में कुछ कमियां रह गई थी और फिर उसके बाद जब इसका फाइनली जो आपके पास रिवीजन हुआ तो रिवीजन होने के बाद में इसका जो लेटेस्ट कोड हम लोग इस्तेमाल करने लगे वो आई एस कोड फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड ये हम लोग इस्तेमाल करने लगे आजकल उसके बाद में फिर ये फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड आपका दो के अंदर वापस से क्या हुआ ये आपका रिवाइज हुआ है और इसके बाद दो में भी कुछ इसके अंदर जो है चेंजेस किए गए हैं तो ये कुछ चीजें बेटा जो आपको याद रखनी चाहिए वो आपके सामने स्क्रीन पर मैंने दिखा दी है ठीक है तो ये आपको कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है ध्यान रखिएगा इस बात का और एग्जाम में हम लोग जब डब्ल्यू को पढ़ेंगे तो डब्ल्यू के बारे में जरूर बात करेंगे एल को पढ़ेंगे तो एल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे लेकिन जो हम लोग यहाँ पे बात करने चाहते हैं बेटा वो हम लोग बात करेंगे अबाउट द अबाउट द एल एस के बारे में इस चैप्टर में मेनली चलिए सर अब हम लोग बात करेंगे सर यहाँ पर हम लोग देखें अब एल को एल के थ्रू हमारा जो मेन अभी डिजाइनिंग चल रही है बेटा वो किसके थ्रू चल रही है वो आपकी चल रही है एल के थ्रू हम लोग एल मेथड के ऊपर ज्यादा फोकस रहेंगे क्योंकि अभी फिलहाल में सबसे अच्छा मेथड माना जाता है ठीक है देखेंगे ध्यान से यहाँ पे क्या ले और देखो ऐसा नहीं है मैंने बीच में बेटा कुछ चीज़ें आपके लिए ड्रॉप कर दिए कि जैसे मैंने आपको बताया तो मैंने आपको एक एक करके बताया कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या क्या चीजें चलती हैं क्यों वो फेल हो रहा है ये सब कुछ मैंने लिख रखा है फिर यूएलएम मेथड अल्टीमेट लोड मेथड आपका क्यों फेल हो रहा है उसके बाद आपका अल्टीमेट एल एस एम मेथड आपका क्यों स्ट्रांग है क्यों ज्यादा अच्छा माना जाता है वो सब रीजन मैंने दिए हैं लेकिन ये आपके पढ़ने के हैं आपसे एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे लेकिन आप, आप पढ़ सकते हो चाहो तो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं सर मतलब आप लोगों को हर एक चीज बेटा नोट्स के अंदर मिल जाएगी आप बस नोट्स को ध्यान से देखना नोट्स को पढ़ना ध्यान से सब कुछ आपको मिल जाएगा देखिए बेटा अब आरसीसी में दो चीजें हैं कॉन्क्रीट है और स्टील है एल एस एम कि लिमिट स्टेट मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे लिमिट स्टेट मेथड को दो हिस्सों में बांटा गया है पहला है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरा है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विस जरूर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि सर एल एस एम हमारे पास दो तरीके की डिजाइन करता है मतलब डिजाइनिंग के लिए दो तरीके का सेक्शन लेकर के चलता है ठीक है पीडीएफ में बेटा सारे पेजेस है पीडीएफ में सब कुछ है आप पढ़ोगे आपको हर एक पॉइंट हर एक चीज आपको पीडीएफ के अंदर मिलेगी इसकी टेंशन आप बिल्कुल ही मत लीजिए ठीक है देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और एक लिखा हुआ है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का क्या मतलब होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी का क्या मतलब है? इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई एक बीम है या कोई भी एक स्ट्रक्चर है अब उस स्ट्रक्चर में आपके पास वो स्ट्रक्चर आपका शेयर में फेल हो सकता है कंप्रेशन में फेल हो सकता है टॉर्जन में फेल हो सकता है फ्लेक्सर में फेल हो सकता है यानी फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग में फेल हो सकता है ये हर एक चीज के अंदर फेल हो सकता है बेटा नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे तो नोट्स आपको मिलेंगे एक तो मैंने टेलीग्राम चैनल आपको बताया देविस सर पीडब्ल्यू पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और साथ में आप लोगों को जो एप्लीकेशन है उस पर जब आप जाएंगे पीडब्ल्यू का ऑफिशियल ऐप वहां पर आप लोग जाएंगे तो आपको

हम लोग क्या करते हैं सर लिमिट स्टेट ऑफ क्लैप्स को फॉलो करते हैं और इससे स्ट्रक्चर क्या होता है सेफ स्ट्रक्चर हमारा बनकर तैयार होता है वहीं पर यदि आपके पास लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी की बात करूं तो यह आप लोगों को लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड कराता है क्या करता है बेटा ये आप लोगों को लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड कराता है यानी कि लंबी उम्र स्ट्रक्चर की देखने को हमें मिलती है इस केस के अंदर तो दोनों कंडीशन समझ में आई अगर कोई दिमाग में फिट कर लो बेटा लिमिट स्ट ऑफ देखो पहली बात तो यह है कि ये क्लास उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने पहली बार आरसीसी पढ़ रहे होंगे देखो बेटा आरसीसी क्लास अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो तो आपके दिमाग में 60 मेंसेंट ही जाएगा लेकिन जिसने बेटा पहले आरसीसी पढ़ रखा है उसके दिमाग में दो सौ परसेंट सब्जेक्ट जाएगा क्योंकि अगर यहां पर इतना समय नहीं है इसी सी को समझाने में कम से कम मेरी तीन से चार घंटे की क्लास चलती है तो यहां पर बेटा इसको हम लोग इसलिए समझा रहे हैं इस तरीके से क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखा है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी दो हिस्से होते हैं अब दिमाग में फिट कर लो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का मतलब है स्ट्रक्चर आपका सेफ बनाना है मतलब शियर टॉर्जन बेंडिंग वगैरह इन चीज कंप्रेशन वगैरह इन चीज़ों से बचाना है और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी का मतलब है स्ट्रक्चर को सर्विस प्रोवाइड करानी है जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम कभी कई बार तुमने देखा होगा कि कोई भी एक जगह पर कोई भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर भाई वो उसके अंदर वाइब्रेशन नहीं आए क्रैकिंग्स नहीं आए डिफ्लेक्शन नहीं आए ये सारी चीज़ें नहीं आए तो इसका मतलब उसमें बढ़िया सर्विसेज दी जा रही हैं और उसके अंदर बेटा अगर वहां पे शियर से बचा लिया टॉर्जन से बचा लिया स्टील प्रोवाइड करा के उसको कंप्रेशन से बचा लिया कॉलम में सरिया प्रोवाइड करा के तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे उससे हम लोग बोलेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ठीक है ओके लिमिट स्टेट गुड फॉर एनी स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चर के लिए बेटा आपका जो एल है वो अच्छा होता है चलिए हम लोग सिस्टमेटिक वे में बात करेंगे सर व्हाट इज द लिमिट स्टेट मेथड और इसके क्या पार्ट्स होते हैं और इनके क्या क्या चीजें आगे चलेंगी देखिए क्या लिखा हुआ है एल में लिखा हुआ है इट इज अ कंडीशन जस्ट बिफोर कोलैप्स अप अप टू टू द लिमिट दैट मेंबर इज सेफ टू मेंजिस्ट द एक्सटर्नल लोड एंड ऑल्सो गिव द प्रॉपर सर्विस थ्रू आउट द लाइफ मतलब लिखा हुआ है एल क्या चीज है एल एक ऐसी कंडीशन है समझना इस बात को बेटा एल एस एक ऐसी कंडीशन है एक ऐसी कंडीशन है जस्ट बिफोर कोलैप्स कोलैप्स से पहले की मतलब फेलियर से पहले की ऐसी कंडीशन को हम लोग एल कहते हैं अप टू द लिमिट लिमिट ऐसी तक लिखा है अप टू द लिमिट एक ऐसी लिमिट तक तक दैट मेंबर इज सेफ टू रजिस्ट एक्सटर्नल लोड जहां कि आपका जो मेंबर है वो लोड को एक्सटर्नल जो लोड लग रहा है उसको बड़े इजीली सेफली रजिस्ट कर पाएगा और साथ के साथ उस पूरे स्ट्रक्चर में वो प्रॉपर सर्विस भी प्रोवाइड कराएगा जब तक स्ट्रक्चर की लाइफ चलती रहेगी तो दो चीजें बोली गई बेटा कि ये एक ऐसी कंडीशन है फेल होने से पहले की ऐसी कंडीशन है ऐसी लिमिट जहां तक स्ट्रक्चर लोड को बिना फेल हुए इजीली रजिस्ट करता रहता है और पूरे स्ट्रक्चर में थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर जब तक आपकी स्ट्रक्चर की लाइफ चलती रहती है आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं दैट इज नोन एज द लिमिट स्टेट मेथड अब देखिए एक बच्चा पूछ रहा है अच्छा दोनों में से बेस्ट कौन है बेटा बेस्ट दोनों में से ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों बेस्ट कौन से हैं बात यह है कि ये आप लोगों का जो आपके पास एल होता है बेटा या और मैंने आपको प्रोवाइड करा दी वो तीन स्लाइड उनमें पढ़ लेना और वो मेरे यहाँ पे पढ़ाने वाली नहीं है इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाई है क्रैश कोर्स में पढ़ाने के लिए नहीं है बेटा वो नहीं तो उसमें टाइम चला जाएगा पूरा टाइम उसी में चला जाएगा तो बेटा लेकिन आपको मैं बताता हूँ एल एस जो है ना जहाँ पर हमें स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए वहाँ पे डब्ल्यू का इस्तेमाल करें जहाँ इकोनॉमी और

एबिलिटी लिमिट स्टेट मेथड ऑफ द कोलेब्स का मतलब सेफ डिजाइन और लिमिट स्टेट लिमिटेड मेथड ऑफ द सर्विस का मतलब है लॉन्ग लाइफ स्ट्रक्चर इसकी होगी अब देखिए बेटा

तो यहां पे ध्यान रखना लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्स लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्लाब्स कंप्रेशन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड ट्रॉर्जन ये आपके चार पार्ट होते हैं लिमिट स्टेट ऑफ किसके अंदर लिमिट स्टेट ऑफ द कोलैप्स के अंदर सर शेड्यूल तो कम्युनिटी में डाला नहीं है बेटा बा, दस बार मैसेज मत करना मैं बहुत मेरे को गुस्सा आता है इन चीजों से ठीक है हाँ बेटा बिल्कुल अगर इ, अगली अब की बार अगर ये मैसेज आ गया तुरंत ब्लॉक करवा दूंगा एक सेकंड लगेगा ठीक है वापस मैसेज मत कर देना है ना बेटा मामा बच्चा तुमको तो माँ बच्चा बना दिया जाएगा नहीं तो ठीक है आप क्लास के अंदर ये ये वाला आना नहीं चाहिए ओके चलो अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी के अंदर देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते है हैं ऐसे डिफ्लेक्शन क्रैकिंग वाइब्रेशन श्रिंके, श्रिंकेज लिखना है डिफ्लेक्शन क्रैकिंग श्रिंकेज वाइब्रेशन ड्यूरेबिलिटी क्रीप और फायर रेजिस्टेंस या इसके अलावा भी और भी बहुत सारे होते हैं मतलब कि ये सारे क्या कर रहे हैं स्ट्रक्चर में सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उसको अगर देखो स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा क्रैकिंग नहीं होगी श्रिंकेज नहीं है वाइब्रेशन नहीं है ड्यूरेबिलिटी अच्छी है क्रीप नहीं आ रहा फायर एस्टेंस से बचा रहा है अपने स्ट्रक्चर को तो ऑब्वियस सी बात है आपका स्ट्रक्चर की लॉन्ग लाइफ होगी कैसी होगी लंबी लाइफ होगी स्ट्रक्चर की समझ में आ रहा है बेटा क्या होगा स्ट्रक्चर की एक लंबी लाइफ चलेगी और इसी वजह से हमने लिखा था इसमें लॉन्ग लाइफ और यहां पे बेटा अगर स्ट्रक्चर को मैं फ्लेक्सर मतलब बैंडिंग से बचाया सरिया डाल दिया बैंडिंग से बचाने के लिए शीयर हो रहा था स्टीरप प्रोवाइड करा दिए कंप्रेशन आ रहा था कॉलम के अंदर

एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कैसे बनते होंगे एग्जाम में सोचो तुम क्वेश्चन कैसे बनते होंगे तो देखो एक बार जैसे मैंने बताया एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज विच ऑफ द मान लो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और आपको मजा आ जाएगा उस क्वेश्चन को पढ़ के क्या होता है क्वेश्चन क्वेश्चन मान लो एक आया आपका और उसमें लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ फॉलोइंग 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 नॉट ए पार्ट ऑफ नॉट ए पार्ट ऑफ ऑफ टे ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ ऑफ सर्विसबिलिटी सर्विसबिलिटी ठीक है इनमें से कौन सा एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी का पार्ट नहीं है पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया दैट इज क्रैकिंग क्रैकिंग उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया बी पॉइंट क्रैकिंग उसके बाद में दिया वाइब्रेशन वाइब्रेशन उसके बाद में मैंने आपको दिया सी पॉइंट इज फ्लेक्सर सी पॉइंट इज फ्लेक्सर ठीक है उसके बाद डी पॉइंट मैंने आपको दिया दैट इज द क्रीप तो आंसर बताएंगे आप जल्दी से क्या आंसर आएगा बेटा ये क्वेश्चन है आपका और इसका आंसर दे दीजिए क्या आंसर आएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में खतरनाक तरीके का आंसर आ जाना चाहिए बेटा कि सर ये इसका आंसर होगा ठीक है जल्दी से बताइए बेटा कि सर ये इसका आंसर होगा जल्दी से बताओ बेटा तो मैंने क्या पूछा इनमें से कौन सा एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्वसेबिलिटी का यहां पर क्या नहीं है पार्ट नहीं है ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एग्जाम में आप देख लेना बेटा एसएससी एस सी जेए के अंदर भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे

मैंने लिखा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड फ्लेक्र हम लोग अब हम लोग पढ़ेंगे मतलब कि हम लोग क्या पढ़ेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन द क्लाब्सर के अंदर हम लोग बीम के बारे में बात करेंगे किसके बारे बारे में बात बारे में बात बात करेंगे करेंगे बेटा बीम बीम डिजाइनिंग डिजाइनिंग के आपका दो दिन चलेगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है बाकी सारे चैप्टर फिर एक एक दिन चलेंगे ठीक है तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा बेटा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड एंडक्सर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड फ्लेक्जर आप लोगों का मेनली हम लोग करते हैं बीम के लिए और किसके लिए स्लैब के लिए तो फिलहाल में हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे हम लोग दैट दैट इज द लिमिट स्टेट ऑफ क्लैप्स इन और फ्लैक् का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या चैप्टर पर स्टार्ट कर रहे हैं बीम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बीम देखो बीम के कुछ डायग्राम्स मैंने आपको दिखा रखे हैं उसका आर सी सी स्ट्रक्चर या आर सी सी डिटेलिंग मैंने आपको उसकी दिखा रखी है ताकि आपको कुछ चीजें अच्छे से समझ में आए थोड़ा सा मैं लाइट कम कर लेता हूँ ताकि तुमको ये भी अच्छे से दिखे ठीक है देखिए एक बार देखेगा इस बार और ध्यान से समझिएगा बेटा और मैंने पहले ही बोल चुका हूँ आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं ठीक है किया है कि नहीं किया देखूँ एक बार तुम मक्कारी तो नहीं करो टेलीग्राम चैनल पे जरूर फॉलो करना क्योंकि यहां पे हम लोग बहुत सारी डिटेलिंग हमेशा से ही पढ़ते रहते हैं जल्दी से करिएगा बेटा क्लास को ज्वाइन और जल्दी से फिर देखते हैं हम लोग मस्त तरीके से हालांकि बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी क्लास को ज्वाइन कर लिया है लेकिन फिर भी अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल भी मक्कारी क्लास के अंदर नहीं करिएगा चलिए देखेंगे एक बार मैंने बोला कि बीम क्या होती है सर बीम आपके पास में एक फ्लेक्सर है क्या लिखा है बीम एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि बीम कैसा मेंबर मेंबर होता होता है है तो सर बीम बेटा आपके पास में एक होता है, बीम. ठीक है अब लिखा बीम लिखा हुआ सब्जेक्टेड टू द ट्रांसफर्स लोडिंग मतलब जो बीम होता है ना बेटा उसके ऊपर ट्रांसफर्स लोडिंग हाँ बेटा डेली क्लास होगी डेली क्लास होगी सुबह आठ बजे से क्लास होगी और आपकी साढ़े दस बजे तक क्लास होगी ठीक है ओके okay, तो क्या लिखा हुआ है बीम जो होती है आपके पास में वहां पर लिखा हुआ है बीम जो होती है वो एक फ्लेक्सर ऐसा मेंबर जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है उसे मेंबर कहते हैं और ये जो फ्लेक्सर मेंबर है बेटा इसके ऊपर ट्रांसफर्स लोडिंग लगती है जैसे मतलब मान लीजिए आपके पास में बीम आपकी ये है तो ये फ्लेक्जर मेंबर हुआ मतलब इसमें लोडिंग कैसे लगेगी बेटा लोडिंग आपकी ट्रांसफर लगेगी मतलब कि बीम का स्पैन इस डायरेक्शन में है और लोडिंग आपकी इस डायरेक्शन में लग रही इस है स्पेनिस इस डायरेक्शन में तो 90 डिग्री बात तो इसको हम लोग ट्रांसफर्स लोडिंग बोलते हैं और जब इसमें बेंडिंग आएगी तो बेंडिंग मतलब कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कि एक आपका एक फ्लेक्सर मेंबर है कैसा है फ्लेक्जर मेंबर अब देखो बेटा आर बीम के अंदर कॉन्क्रीट भी डाला जाएगा और आर बीम के अंदर आपका स्टील भी डाला जाएगा मतलब कि दोनों चीजें डाली जाएंगी स्टील भी डाला जाएगा और कॉन्क्रीट भी डाला जाएगा अब यहाँ पे देखिए बेटा बीम में आप लोगों को दो तरीके के कुछ सरिये आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे ठीक है क्या कह करेंगे बेटा दो तरीके के सरिये कुछ आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों के पास में एक सरिया आपको तो दिख रहा होगा इस जगह पर देखोगे आप तो रेड कलर का सरिया हमें दिख रहा होगा कौन सा एक रेड कलर का सरिया आपको दिख रहा होगा और एक इस जगह पर जिससे हमने बांध रखा है एक आपको ग्रे कलर का सरिया आपको दिख रहा होगा इस जगह पे ठीक है ना सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो एक आप लोगों का मेन कलर का सरिया ये वाला जो सरिया आपको दिखाई दे रहा होगा

लेकिन हम इस चैप्टर में हम इस चैप्टर में क्या बोलेंगे बेटा इस चैप्टर के इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे अभी फिलहाल में इस रेड कलर वाले जो सरिया आपको दिखाई दे रहा है ना इस रेड कलर वाले सरिये की बात करेंगे बेटा सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बता दो यहां पर बेटा दो तरीके के सरिये होते हैं एक सरिया आपके पास में होता है किसका स्टील मतलब एक सरिया होता है मेन एनफोर्समेंट की फॉर्म में और एक सरिया होता है आपका की फॉर्म में तो मैं आपको मैं क्लियर बता देता हूँ ये जो रेड कलर का आपको सरिया दिखाई दे रहा है ये बचाएगा स्ट्रक्चर को फ्लेक्सर में या बेंडिंग में क्या बचाएगा ये हमारे स्ट्रक्चर को मैंने क्या बताया था लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर चार पार्ट होते हैं चार पार्ट होते हैं फ्लेक्सर चीयर कंप्रेशन और टॉर्जन फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं फ्लेक्सर पढ़ रहे हैं तो फ्लेक्सर का मतलब बेंडिंग बेंडिंग की वजह से हमारे स्ट्रक्चर में रेड कलर का सरिया डाला जाता है इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडल रेनफोर्समेंट या फिर इसको हम लोग मेन रेनफोर्समेंट बोलते हैं और ये जो आप लोगों का ग्रे कलर का सरिया जिससे हमने इसको डायगोन जिससे हमने इसको ट्रांसफर्सली बांध रखा है इससे हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रांसफर्स रेनफोर्समेंट या शियर एनफोर्समेंट और ये क्यों डाला जाता है ये शियर डिजाइनिंग मतलब शियर स्ट्रेसेस के कारण से डाला जाता है और जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लिमिट स्टेट ऑफ इन शीयर तो उस जगह पे मैं इसके बारे में बात करूंगा जिससे मैं इसको बांध रहा हूं मतलब कि जो ग्रे कलर का शरीर आपको दिख रहा है फिलहाल हम पूरे चैप्टर में किसके बारे में बात करेंगे in, uh, के लिए किसके लिए बात करेंगे रेड वाले शरीर के लिए बात करेंगे आगे एक और डायग्राम आपको मैं दिखाई देता हूं और आई होप आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में खतरनाक तरीके की एनर्जी दिखनी चाहिए मुझे और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को पंद्रह क्वेश्चन आ गए पंद्रह में से पंद्रह दस आ गए दस में से दस बारह आ गए बारह में से बारह दिलाने की गारंटी मेरी है आप लोगों से बस आप लोग मेरी क्लास में हारना मत थकना मत मैं क्लास में कभी तुमको झुकने ही नहीं दूंगा ठीक है बेटा चलो देखो बेटा सरिये का ढांचा मैंने आपको सामने एक तैयार किया है इसमें दो तरीके के सरिए हैं पहला सरिया जिसे हम लोग बोलते हैं रेन्फोर्समेंट ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट मतलब कि देखो क्या होगा कोई एक बीम मान लो इसके चारों तरफ हमने क्या करा ये ढांचा था <clears throat> इसके चारों तरफ हमने फॉर्म वर्क लगाया उसमें हमने कॉन्क्रीट डाल दी कॉन्क्रीट डालने के बाद में कॉन्क्रीट डाल दी कॉन्क्रीट डालने के बाद में स्ट्रक्चर बना के तैयार कर दिया स्ट्रक्चर बना के तैयार करने के बाद सुनना बात को ध्यान से स्ट्रक्चर बना के तैयार करने के बाद अब हमने क्या किया स्ट्रक्चर बना के तैयार कर लिया और स्ट्रक्चर बना के तैयार करने के बाद तुमने देखा जब लोडिंग ऊपर तो बीम आपका कुछ हो रहा होगा जो बीम बैंड होगा तो उस बीम को बैंडिंग होने से बचाने के लिए कौन सा सरिया प्रोवाइड कराएंगे ये वाला वन टू थ्री फोर यही वाला सरिया तो प्रोवाइड कराया जाएगा बेटा यही वाला सरिया तो डालेंगे ना हम लोग वन टू थ्री फोर फाइव और भी होंगे दो चार सरिये सरिया हमने बेटा प्रोवाइड करवाया क्या करा बेटा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये जो तो

ठीक दो हजार उन्नीस की बात है चार साल हो गए इस बात को चलो बेटा तो मैंने क्या बोला और जो आपका जो दूसरा वाला जो सरिया है ये आप लोगों का किसके लिए ये जो बांध रहे हैं हम लोग ये जो स्टीरअप दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को इस तरीके से बांध रहे हैं हम लोग इस तरीके से हम लोग बांध रहे हैं इसको इसे हम लोग बोलते हैं बेटा दिस इज द शीयर एनफोर्समेंट मतलब कि अगर स्ट्रक्चर में क्या होगा मान लो आपका जो बीम है उसके अंदर कॉन्क्रीट भी है उसके अंदर सरिया भी है तो ये जो सरिया है ये जब आपका फिसलने की कोशिश करेगा अब सी बात है अगर इसके ऊपर लोड आएगा तो इस सरिये के ऊपर भी लोड आएगा और जब ये लोड आएगा तो पे टेंजेंशियल मोशन होगा कॉन्क्रीट और सरिये के बीच में तो ये सरिया कोशिश करेगा उस बीम से बाहर निकलने की लेकिन अगर उस सरिये को बाहर निकलने से हमें बचाना है तो हम क्या करते हैं इसको अलग अलग जगह पर प्रॉपर स्पेसिंग पर हम इसको बांध देते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा दैट इज नोन एज द दैट इज नोन एज द शियर एनफोर्समेंट और शेयर एनफोर्समेंट जब हम लोग बचाते हैं तो उसके लिए हम लोग इस तरीके के रिंग्स प्रोवाइड कराते हैं हम लोग साइट के ऊपर इसको हम लोग फील्ड में इसे हम लोग रिंग्स कहते हैं और जनरली हम इसे स्टीरअप भी कह देते हैं तो इसे हम लोग ट्रांसफर्स रेन्फोर्समेंट शियर एनफोर्समेंट बोलेंगे और ये शेयर फोर्स के कारण से आएगा और एक और चीज ध्यान रखिएगा एक और चीज ध्यान रखिएगा स्टीरप फील्ड नेम रिंग्स वगैरह इनका हम लोग स्टीरप भी बोलते हैं फील्ड में से हम लोग रिंग भी बोलते हैं ये जो आपका है ना ये वाला जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग रिंग्स भी बोलते हैं और स्टीरप भी बोलते हैं ठीक है बेटा और इसको हम लोग ट्रांसफर्स एनफोर्समेंट बोलते हैं एक बच्चा कह रहे हैं पांच सरी कैसे है बेटा अगर अगर पांच सरी ऐसे आगे बेटा हाँ ये आपके पास डबल ही प्रैक्टिकली साइड पर बेटा डबल ही रेनफोर्समेंट बीम ही बनती है और पाँच का कितने भी सरिये हो सकते हैं ऐसा कोई फिक्स नहीं है लेकिन कोशिश करो कि आपको कम से कम स्टीरअप लगानी पड़े मतलब आपका स्ट्रक्चर भारी ना हो जाए सेल्वेट ज्यादा ना हो जाए विद इन द लिमिट आपको सरिया डालने को डाल के आप स्ट्रक्चर को मजबूत बना पाए ठीक है चलिए <coughs> ओके बेटा सरए कॉन्क्रीट के बाद डालेंगे या पहले अरे बेटा सरिये पहले बनाए जाते हैं फिर कॉन्क्रीट की कास्टिंग की जाती है मतलब कि पहले ढांचा तैयार किया जाता है फिर चारों तरफ फॉर्म वर्क लगाया जाता है फिर उसके बाद उसमें कॉन्क्रीट की कास्टिंग की जाती है उसके बाद जब कॉन्क्रीट सफिशियंट स्ट्रांग हो जाती है तो फॉर्म वर्क को रिमूव करते हैं उसके बाद स्ट्रक्चर तैयार होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे सर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे देखिए बेटा हम लोग अब ये चीज देखिए एक बीम है आपके पास में क्या है बेटा एक बीम होता है ओके

तो इस बीम का और सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर यूडीएल डाल दी गई है यहाँ पर इसमें है ना ये मतलब यूडीएल लगाया गया इसके ऊपर तो इस जगह पर इसका बेटा एक बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम भी बनेगा और इसका एक यहां पर फोर्स डायग्राम भी बनेगा ठीक है तो ये यह यहां पर स्टार्टिंग में जो बना रखा है ये इसका एक बेंडिंग वूवमेंट डायग्राम है और ये इसका एक फोर्स डायग्राम है बेन्यूमेंट डायग्राम जो बनता है वो एक अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर यदि यूडीएल लगा हुआ है मैं क्या रहा हूं बेटा यदि कोई आपके पास में एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर यदि एक यूडीएल लगाया गया है स्पेसिफिकेशन बेटा सब कुछ बताऊंगा कोई टेंशन मतलब अभी धीरे धीरे चल रहा है ना चैप्टर तो उसको पढ़ो पहले ठीक है तो मैंने आपको क्या बोला कि आपके पास जो रेन ये जो बीम है इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा आपके पास में ऊपर लगा हुआ आपके पास में क्या दैट इज द लोड और इस लोड की वजह से यहाँ पर एक बैंडिंग बनेगा एक शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा जो बैंडिंग बनेगा उसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे थे बैंडिंग मूवमेंट मतलब बैंडिंग आ रही है मतलब इसमें कहीं ना कहीं आपका आप फ्लेक्सर आ रहा है मतलब वो फ्लेक्सिबल हो रहा है बैंड हो रहा है तो बैंडिंग से बचाने के लिए हम कौन सा सरिया डाल रहे थे बैंडिंग से बचाने के लिए हम लोग मेन एनफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहे थे क्या आप करा रहे थे बेटा मेन इन्फोर्समेंट जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है ना इसमें हम लोग यही पढ़ रहे हैं ठीक है और हम लोग सेकंड चैप्टर जब पढ़ेंगे

नेक्स्ट पॉइंट देखो एक एक करके समझना अब जो हमने सरिया डालना है अब तो मैं एक बात समझ में आ गई कि सर अब देख रहे हो तुम ड्रॉइंग देख रहे हो नोट्स देख रहे हो प्रेजेंटेशन देख रहे हो एक एक चीज की डिटेलिंग देख रहे हो बेटा ये सब कुछ ना आप लोगों को मिल सकता है ये नोट्स आपको मिलेंगे आप लोग एक तो टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करना और साथ के साथ आप लोगों को जैसा मैंने बता रखा है कि आप क्या करिएगा बेटा आप लोग जो पीडब्ल्यू ऐप है उस पर जा करके भी इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं चलिए सर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ध्यान से पढ़ो धीरे धीरे पढ़ो हम लोग जो अभी फिलहाल में बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मेन रेनफोर्समेंट मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के बारे में मतलब कि हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग बीम और स्लैब को पढ़ते हैं पहले हम लोग बीम को पढ़ रहे हैं और बीम को जब बेटा हम लोग पढ़ते हैं क्या बहुत बेटा बीम को जब हम लोग पढ़ते हैं तो बीम के अंदर दो तरीके का सरिया प्रोवाइड किया जाता है पहला लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट दूसरा शेयर रेनफोर्समेंट हालांकि आगे टॉर्जल रेनफोर्समेंट वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे लेकिन मेनली फिलहाल हम लोग क्या बात कर रहे हैं एक आपका लॉन्गिट्यूडनल सरिया एक उसको बांधने वाला सरिया फिलहाल हम लोग जो बात करेंगे वो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के बारे में पूरी की पूरी बात करेंगे ठीक है चलिए अब देखें बेटा यहाँ पे मैंने एक एक क्वेश्चन आई एस कोड अब देखो मैंने आपको बताया था कि पीसीसी और आरसीसी को पढ़ने के लिए हम लोग आई एस कोड फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड का इस्तेमाल करते हैं तो इस आई एस कोड फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड के अंदर आप लोगों को यहां पर जो आई एस कोड के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ पहला लिखा हुआ है मिनिमम एरिया ऑफ द रे इन बी मतलब कि बीम के अंदर मिनिमम एरिया ऑफ द रे का मतलब यह हुआ कि आप अपने और बेटा यहां से क्वेश्चन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना एक मिनट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बेटा एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आते हैं देखिए बेटा एक बार यह बोला जा रहा है कि बीम के अंदर जो हम लोग ये मेन सरिया प्रोवाइड कर रहे हैं कौन सा वाला सरिया बेटा ये जो पिंक वाला सरिया वन टू थ्री फोर जो हमने चार सरिये प्रोवाइड कराए हैं तो जो मेन सरिया जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं बीम के अंदर जो मेन सरिया प्रोवाइड करा रहे हैं पिंक वाला ये बोला जा रहा है कि आपको कम से कम कितना सरिया प्रोवाइड कराना है ठीक है कम से कम यहां पर कितना सरिया प्रोवाइड कराना है उसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आईएस कोड ने ना एक प्रोविजन दिया और प्रोविजन क्या लिखा हुआ है एएसटी मिनिमम मतलब एएसटी का मतलब है बेटा एरिया ऑफ द स्टील इन टेंशन लिखा हुआ है देखो सब कुछ लिखा हुआ है एएसटी मिनिमम का मतलब है मिनिमम एरिया ऑफ द स्टील इन द टेंशन और एफ वाई क्या है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील बी क्या है इस जगह पे विड्थ ऑफ द बीम डी क्या है इस जगह पे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम तो इसका मतलब यहां पे Equation बना दी एस टीम एट फाइव अपॉन एफ या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में देखने को मिलता है ना तो आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिलता है तिरंगा बना दिया हमने ये ठीक है तिरंगा बना देते हैं चलो तो मैंने क्या बोला बेटा जय हिंद लिख दो एक बार कॉमेंट बॉक्स के अंदर चलो बेटा क्या लिख रहा है इस जगह पे जीरो पॉइंट एट फाइव एफ वाई और बी डी को हम इधर ले गए तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है चलिए सर आगे बात करते हैं ए मिनिमम क्या बता दिया एफ वाई बता दिया बी बता दिया डी बता दिया देखिए बेटा जो आपके पास जो क्रॉस सेक्शन होता है ना जो क्रॉस सेक्शन होता है बीम का जैसे एक आपके पास एक्चुअली में बीम दिख तो ऐसी रही है लेकिन अगर इस बीम को मान लो मैं कहीं से भी काट दिया जैसे मैंने इस रेड वाले क्रॉस सेक्शन से इसको काट दिया और मैं इसको यहां से देख रहा हूं रही मेरी आंख देखो कितनी सुंदर सी मैंने आंख बनाई और सुंदर बना इसको चलो ये देखो कितनी सुंदर आंख बनाई है तो बेटा अगर मान लो मेरी आंख इसको यहां से देखना चाहती है कहां से देखना चाहती है देख रहे हो एकदम कितनी सुंदर लड़की जैसी आईब्रो बनाई है चलो चलो बेटा देखो एक बार तो यहां से जब हम इसको देखेंगे यहां से हम इसको ऐसे जब देखेंगे तो यहां पे क्या होगा ये जो चार सर ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे वन टू थ्री फोर और जो ये बांध रहे हैं ना हम इससे वो आपको एक ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ऐसा कुछ दिखाई देगा तो इसका हमने सीजी बनाया सीजी का मतलब इसका हमने न्यूट्रल बनाया ये रेड कलर का ये न्यूट्रल एक्सेस है इसका ठीक है काटा इसको और काटने के बाद यहां से देखा तो ऐसा दिख रहा है उसके तो बाद क्या किया सर हम इसको जब देख रहे हैं तो ये इसकी ओवरऑल डेप्थ होती है ऊपर से लेकर के नीचे तक की जो डेप्थ है इससे हम लोग बोलते हैं कैपिटल डी उसके बाद ये जो आपके पास में यहां से आता के जो डिस्टेंस बोलते हैं ओवरऑल विद्थ या स्मॉल भी या कैपिटल भी कुछ भी लिख सकते हो लेकिन इसको कैपिटल डी ही लिखेंगे उसके बाद

और नीचे जो सरिया मेन सरिया जो है आपका मेन मेन सरिया उस के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसे हम लोग बोलते, है, जिसे हम लोग डेफ्ट बोलते हैं से, स्मॉल डी है। तो ये बात बेटा समझ में आई आपको अब सुनिएगा सुनिएगा बेटा, बेटा बीम में मिनिमम टू मैक्सिमम कितने बेटा ये सब बता रहा हूं ना प्रोवाइड कर सकते हैं बेटा बता रहा हूं ना अविनाश देखो मेरी क्लास के अंदर तो मैं तुम्हें पहले एक बार आगे, आगे दे देता हूँ पहले ही तुमको समझा देता हूँ इस बात को दिमाग में फिट कर लेना जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना क्लास के अंदर तो बेटा धैर्य रखना क्लास के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ जब भी कभी और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बेटा दिमाग फिट कर लेना अपना है ना क्लास के अंदर पढ़ाते टाइम और बाद में अगर कोई चीज़ मैंने नहीं बताई तो मुझे बात करना अगर बता दी तो कोई टेंशन ही नहीं है नहीं बताई तो पूछना जरूर ठीक है चलो अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये चीज़ हमने समझी आई एस कोर ने ये वाला फॉर्मूला दिया और एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है अब देखिए बेटा यहां पर जैसे मैंने फॉर एक्जाम्पल आपको ये भी बता दिया किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको जैसे फॉर एक्जाम्पल आप लोगों को क्या दे रखा है एम ट्वेंटी आप लोगों को ग्रेड दे रखी है तो वहां से आप डायरेक्टली एफ सी के वैल्यू को वन ट्वेंटी ले लेते हो और यदि किसी जगह पर स्टील में एक्जाम्पल के तौर पर मान लो एफ टू फिफ्टी दे रखा है तो वहां पर एफ वाई की वैल्यू डायरेक्टली टू फिफ्टी ले लेते हैं हम लोग न्यूटन पर एम एम स्क्वायर के अंदर ये चीज हम लोग अच्छे से जानते हैं ये चीज हम लोग बेटा अच्छे से जानते हैं अब इस बीम के अंदर हम लोग क्रॉस सेक्शन हमने देख लिया बीम का बी क्या होता है कैपिटल डी क्या होता है स्मॉल डी कहां से कहां तक होता है और डी नॉट यानी कि इफेक्टिव कवर कहां से कहां तक होता है ये हमने पढ़ लिया ठीक है अब देखो ये जब पढ़ा तो अब एग्जाम में यही सिर्फ क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में पूछा जाता है कि ये वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है तो यहां पे लिखा हुआ है एस टी मिनिमम की वैल्यू बेटा ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड करती है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के अंदर आपसे आपसे पूछा पूछा जा सकता है क्या कह रहा हूं बेटा बेटा मैं मैं कि पूछा तो जो जो पढ़ाऊंगा ना समझ लो तुम तो एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होगा जो बता रहा हूं और पूछा नहीं जाएगा अगर पूछेगा तो यहां से बाहर नहीं आएगा लेकिन जो कह रहा हूं उसको समझो मैंने बोला कि सर ए एस टी मिनिमम लिखा गया है कि ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड करता है और फिर उसके बाद लिखा है एफी टू फिफ्टी यानी कि माइल्ड स्टील की बात कर रहा हूं एफ टू फिफ्टी के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे देखना बेटा एक बात बताओ मुझे एफ ई टू फिफ्टी के लिए एफआई की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू फिफ्टी अभी रिसेंटली बताइए आपको मैंने उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मुला है मिनिमम का दैट इज अपॉन और, B और D तो फिक्स होते हैं क्वेश्चन में तो एफ वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी जीरो पॉइंट एट फाइव अपॉन एफ वाई एफ आई की वैल्यू टू फिफ्टी इंटू बी तो वैल्यू आई जीरो पॉइंट थ्री फोर परसेंटेज ऑफ बी डी कितनी गई बेटा एग्जाम में ध्यान रखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जहां पे डबल टिक लगे हुए ना समझ लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपका ठीक है तो पहली बात आपसे क्या पूछा जाएगा इसका फॉर्मूला पूछा जाएगा ए मिनिमम का फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा दूसरा क्या पूछा जाएगा आप लोगों से कि किसके ऊपर डिपेंड करती है तीसरा एफ ई टू फिफ्टी के लिए मिनिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट मतलब कि सरिए जो प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग किसी भी एक किसी भी एक जो आपके पास में बीम होती है ठीक है तो उस जगह पर हम लोग कितना सरिया प्रोवाइड कराते हैं मिनिमम कम से कम कितना सरिया प्रोवाइड कराते हैं तो बेटा हम यहां पे जीरो पॉइंट थ्री फोर परसेंटेज ऑफ बी डी प्रोवाइड कराते हैं सेम ऐसे ही अगर मैंफी फोर एन फाइव के लिए निकालूंगा तो एफआई की वैल्यू फोर एन फाइव हो जाएगी न्यूटन पर एम 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 और जब यहां पे एफ वाई की वैल्यू को जैसे आप टू फिफ्टी पुट किया था सिर्फ वहां पे फोर एन फाइव पुट करोगे तो वैल्यू आएगी जीरो पॉइंट टू जीरो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है सेम ऐसी एफ फाइव हंड्रेड के लिए भी आपके पास एक वैल्यू होती है जीरो पॉइंट वन सेवन निकल के आ जाएगी जब आप यहाँ पे एफ वाई की जगह पर यहाँ पे आप फाइव हंड्रेड पुट करोगे तो यहाँ पे एक टेबल मैंने बना रखी है एक तरफ बना रखा है ग्रेड ऑफ द स्टील और दूसरी तरफ बना रखा है ए मिनिमम या एस ट मिनिमम इसको बोल सकते हो तो एफ ए टू फिफ्टी के लिए जीरो पॉइंट थ्री फोर एफ ई फोन फाइव के लिए जीरो पॉइंट टू जीरो ए फाइव हंड्रेड के लिए जीरो पॉइंट वन सेवन परसेंटेज ऑफ बी डी आपका ही बना रखा है ठीक है बेटा आप चाहो तो एफ ही पांच सौ पचास के लिए भी आप निकाल सकते हैं बस यहाँ पे एफ ई पांच सौ पचास आप पुट कर दोगे तो वो वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी जो भी वैल्यू आपको निकालनी है आप एफ वाई की जगह

कि मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेन्फोर्समेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा तो मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट कभी भी बीम के के एरिया से ज्यादा नहीं होना चाहिए बीम के के एरिया से ज्यादा कभी भी आप लोगों का मैक्सिमम एरिया नहीं होना चाहिए जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या इसको हम लोग बीम का एरिया क्या होता है बेटा बी इंटू डी टोटल एरिया क्या होता है बी इंटू डी या फिर कह सकते हो फोर परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द बीम टोटल बीम एरिया इसको हम लोग ऑफ द टोटल बीम एरिया भी लिख सकते हैं ठीक है थीके? तो इसका मतलब अब टोटल बीम क्या होता की इंटू डी हो गया तो इसका चार परसेंट के बराबर और चार परसेंट को यदि मैं चेंज करूं तो चार को यदि सौ से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा जीरो पॉइंट जीरो फोर तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जीरो पॉइंट जीरो फोर टाइम्स ऑफ़ द पीडी ये भी लिख सकता हूँ अब देखो एक बार ये कंप्रेशन और टेंशन दोनों ही मतलब, ठीक है ना मतलब कि, के अंदर भी आप 4 से नहीं करा सकते और टेंशन के अंदर भी चार परसेंट से ज्यादा प्रोवाइड नहीं करा सकते चलिए एक छोटा सा मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे और मदद कर देता हूं और एग्जाम में वो क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कई बार तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं देखिए बेटा क्या पूछा जाएगा मान लीजिए इन केस ऑफ इन केस ऑफ डबल ही रेनफोर्समेंट बीम इन केस ऑफ हालांकि मैंने अभी आपको बताया नहीं है लेकिन फिर भी बताएता हूं डबल ही रेनफोर्समेंट बीम बेटा क्या होती है डबल ही रेनफोर्समेंट बीम वो होती है जहां पे आप लोग कंप्रेशन और टेंशन दोनों में रे इनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हो सिंगल सिंगली रेनफोर्समेंट बीम वो वो बीम होती है जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ टेंशन साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हो उसे हम लोग कहते हैं सिंगल ई रे इन्फोर्समेंट बीम और जब आप लोग टेंशन और कंप्रेशन दोनों साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं डबल ही रेनफोर्समेंट बीम तो डबल ही रेनफोर्समेंट बीम के लिए ए मैक्स की जो वैल्यू है वह आप लोगों की आठ परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मतलब कि आपका कंप्रेशन का चार और टेंशन का चार मतलब टोटल मिलाकर के आठ परसेंट से ज्यादा आप लोग प्रोवाइड नहीं करा सकते डबल ही रेनफोर्समेंट बीम के अंदर चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अभी हम लोग ये देखते हैं अब हमने ये तो देख लिया कि मिनिमम सरिया कितना डालना है और मैक्सिमम सरिया हमें कितना डालना है ठीक है अब हमने ये तो देख लिया कि मिनिमम सरिया कितना डालना है सर और मैक्सिमम सरिया कितना डालना है ये तो हमने आराम से अच्छे तरीके से देख लिया लेकिन अब हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि सर जो हमारे पास में रेनफोर्समेंट है जो हम लोग सरिया प्रोवाइड करा रहे हैं उसको हम लोग उसकी लोकेशन क्या है उसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम में कहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं और आपके पास कैंटिलीवर बीम के अंदर उसे हम लोग कहां प्रोवाइड करा रहे हैं और यहां से बेटा ये भी आप लोगों का इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास में एक क्वेश्चन है और इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्या कह रहे हो बेटा इसको भी आप लोग ध्यान रखोगे एग्जाम के अंदर यहां से भी आप लोगों का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और बेटा जब ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाए तो इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद इसके कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कॉन्टेंट कैसा लगा क्योंकि ये बेटा ये जो कॉन्टेंट है ना आपको एग्जाम में इतना खतरनाक तरीके से हेल्प करेगा चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो ए है जेई है एस एस जेई है आप लोगों को इससे बाहर कुछ देखने को नहीं मिलेगा और सारे नोट्स मैं आप लोगों को कहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा एक तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप इसको ज्वाइन कर लिया होगा और आपको ऐप के ऊपर ये नोट्स मिल जाएंगे चलिए देखें एक बार अगर मान लीजिए कोई पूछे कि भाई लोकेशन क्या की? मतलब की प्रोवाइड कराना करेंगे आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये आपका एक सिंपली सपरेट बीम है और दोनों एंड पर सपोर्टेड है यहां पर एक लोड लग रहा है बेटा ऑब्वियस बात है जब लोड लगेगा तभी तो डिफ्लेक्शन आएगा लोड नहीं लगेगा तो डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं ठीक है चलिए अब यहाँ पे बैंड होगी लोडिंग के, हो हो के कारण से तो आपको दिख रहा है ऊपर वाला पहले आपके पास में ये कैसा था बेटा आपके पास पूरा का पूरा स्ट्रेट था बीम अब क्या हुआ बेटा ये स्ट्रेट था लेकिन ये अंदर की तरफ घुसना चालू हो गया ठीक है तो ऊपर वाले पार्ट में क्या आया कंप्रेशन सेम ऐसे ही नीचे वाला पार्ट जो था बाहर की तरफ खिंचना चालू हो गया तो नीचे वाले पार्ट में क्या है टेंशन तो और हमें हमें सरिया कहाँ डालना होता है हमें मेनली जो सरिया डालना होता है ना हमें जो मेनली बेटा ये सी प्री के लिए भी यूजफुल है आपका हमें जो मेनली बेटा जो सरिया डालना होता है ना हमें जो पूरा आपके पास में जो सरिया डालना होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं उससे हम लोग कहते हैं बेटा टेंशन वाला पार्ट मतलब टेंशन में हम लोग मेनली सरिया को डालने की कोशिश करते हैं बेटा देखो इंडिया में ना आप लोगों को ये जो क्रैश कोर्स है फ्री में मिल रहा है आप सोचो और कंटेंट देख रहे हो आप लोग कंटेंट किस लेवल का है और कंटेंट से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे खुद आप तय कर लेना आप पी वाई उठा लेना कोई भी स्टेट का ई का जेई का क्वेश्चन उठा लेना गेट का उठा लेना आप ई का उठा लेना आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है बन जाएंगे ठीक है जैनिक स्टडी पे अच्छा ठीक है ओके थैंक यू सो मच चलिए बेटा अब आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में क्या लिखा हुआ है यहां पे मैंने बताया कि जो नीचे वाला पार्ट है इसमें आपका टेंशन आएगा और ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें आपका कंप्रेशन देखने को मिलेगा नीचे वाला पार्ट में टेंशन ऊपर वाले पार्ट में आपको कंप्रेशन जो है देखने को मिलेगा तो यहां पर हम लोग टेंशन वाले पार्ट में तो सरिया प्रोवाइड कराएंगे तो यहां पर आप लोग कि इन इन दिस द केस केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोग जो रेनफोर्समेंट है उसको हम लोग न्यूट्रल एक्सेस के नीचे प्रोवाइड कराते हैं दिख रहे हैं क्योंकि टेंशन कहां पे है वो न्यूट्रल एक्सेस के नीचे है इसलिए हम लोग यहां पे भी न्यूट्रल एक्सेस के नीचे ही सरिया प्रोवाइड कराएंगे जबकि आप लोग अगर और ये याद रखना बेटा ये स्टेटमेंट है ना ये याद रखना बेटा एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और कौन कौन ऐसा बच्चा है बेटा जरूर बताना जिसने जिसने आप लोगों को एक क्वेश्चन जिसने आप लोगों को एक जिस बच्चे ने एक पढ़ रखा है आप लोगों में से वो जरूर बताइएगा ये कौन से एक बच्चे बहुत सारे होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन जरूर पढ़ रखा होगा ठीक है एग्जाम में क्वेश्चन आता है फिर हम लोग कैंटिलीवर कैंटिलीवर बीम बीम की बात करेंगे तो तो देखो बीम आपका क्या होता 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 है होता है है एक एंड एंड पे पे फिक्स दूसरे फ्री जब एक एंड पे फिक्स है दूसरे एंड पे फ्री है तो अगर मैं इसकी बैंडिंग को देखूंगा ध्यान से यहाँ पे बेटा आपके पास में लोड लिख रहा है डब्ल्यू क्लिंटन पर मीटर का उसकी वजह से यहाँ पे बैंडिंग आएगी और देख रहे हो आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करो पहले आपके पास में इस जगह पर देखो ये वाला सेक्शन कैसा था एकदम सीधा था नीचे वाला देखो नीचे वाला सेक्शन पहले एकदम सीधा था लेकिन अब इस सेक्शन क्या हो गया बेटा अब इस सेक्शन थोड़ा श्रिंक हो गया है क्या हो गया है पहले सेक्शन जो पहले एकदम सीधा था अब नीचे वाले पार्ट को देखो सेक्शन थोड़ा श्रिंक हो गया श्रिंक हो गया मतलब कंप्रेशन आ गया इसमें तो नीचे वाले पार्ट में कंप्रेशन ऊपर वाला पार्ट जो पहले यहां से आता था सीधा था अब वो उप पॉइंट आपका खिंच गया है क्या क्या हो गया 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 बेटा बेटा ऊपर वाला पार्ट आपका खिंच तो इसमें क्या गया टेंशन आ आ आ टेंशन गई रही आपको डायग्राम से ही समझ में आ रहा है सब कुछ ठीक है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि सर अगर ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है तो यहाँ पे जो हम लोग मेन स्टेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे वो आप लोगों का न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि टेंशन वाला पार्ट न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर यहाँ पे दिया गया है चलिए सर ये वाली बात आपको समझ में आ गई अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे बेटा एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं डायरेक्टली याद रखिएगा देखो कैसे पूछा जाएगा क्या लिखा हुआ है सर इफेक्टिव स्पैन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इफेक्टिव स्पैन से क्वेश्चन कैसे बनेगा सर पढ़ो एक बार द पोर्शन ऑफ द बीम दैट इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बेंडिंग इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव स्पैन मतलब ये बोला जा रहा है कि, कि किसी भी बीम का एक ऐसा कोई पूछ ले कि भाई इफेक्टिव स्पैन क्या होता है कोई ये पूछ ले आपसे कि सर इफेक्टिव स्पैन जो होता है बेंडिंग तो सेल्फ लोड से भी आ सकती है ना हाँ बिल्कुल बेटा आ सकती है लेकिन आपको मैं समझाऊं नहीं बेटा देखो बेंडिंग ना सेल्फ लोड की वजह से नहीं आती है जनरली सेल्फ लोड की वजह से सेल्फ लोड की वजह से क्या होगा स्ट्रक्चर थोड़ा सा डैमेज हो सकता है लेकिन प्रॉपर तरीके की अगर बैंडिंग समझनी है तो वहां पर आप लोगों को लोडिंग से समझाना ही पड़ेगा मुझे ठीक है सर इफ द सिंगली रे इनफोर्समेंट ओनली टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं तो बाइंडिंग करेंगे प्लीज बता दीजिए मेरे को समझ में नहीं आया बेटा क्या क्वेश्चन आपका अपर फॉर चलो ठीक है, है? मतलब निभाता है उसे हम लोग बोलते हैं बोला मैंने द पोर्शन ऑफ द बीम बीम का वो हिस्सा जो कि इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर बीम की बेंडिंग के अंदर उसे हम लोग कहते हैं इफेक्टिव सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा जैसे आपको आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपके पास में एक बीम है और यहाँ पर आपके पास में ये जब इसके ऊपर लोडिंग लगाई गई जैसे आपके पास ये एक बीम था इसके ऊपर यदि लोडिंग लगाई गई तो लोडिंग के बाद में बेटा क्या होगा ये एक बैंड हो जाएगा और बैंड होगा ना तो कुछ इस तरीके से होगा तो यहां पर यहां इसके सेंटर से लेकर के उसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी एल इफेक्टिव है मतलब कि इफेक्टिव भूमिका आपकी निभा रही है तो क्लियर स्पैन क्या होता है कोई पूछ ले क्लियर स्पैन क्या है सर तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में क्लियर स्पैन आपके पास लिखा हुआ है कि क्लियर मतलब लिखा हुआ है क्लियर अनसपोर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द टू सपोर्ट मतलब कि जो दो सपोर्ट हैं इन दोनों सपोर्ट्स के बीच की जो क्लियर डिस्टेंस है इन दोनों सपोर्ट्स के बीच की ये जो क्लियर क्लियर डिस्टेंस है इसे हम लोग बेटा बीचेंसाइन कहते हैं क्या कहते हैं जो दो सपोर्ट्स के बीच की जो क्लियर डिस्टेंस है बेटा इसे हम लोग क्लियर स्पेन कहते हैं क्या कहते हैं बेटा इसे हम लोग क्लियर स्पेन कहते हैं दो सपोर्ट्स के बीच की जो क्लियर डिस्टेंस होती है इसे हम लोग बेटा क्लियर स्पेन कहते हैं इस बात को आप ध्यान रखेंगे

यदि आप लोगों की सपोर्ट विड्थ l b1 और b2 दोनों मिलाकर के lc by 12 से अगर ये वैल्यू छोटी है किससे छोटी है बेटा अगर ये वैल्यू आप लोगों की lc by 12 से कैसी है बेटा अगर lc by 12 से आप लोगों की कैसी है बेटा छोटी है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे l इफेक्टिव वैसे ही निकालेंगे जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए निकालते थे ठीक है बेटा चलो समय, क्या कर रहे हैं बेटा मैं डेप्थ को ऐड कर सर डेप्थ को कैसे ऐड करेंगे बेटा डेप्थ को कैसे ऐड करेंगे मतलब क्वेश्चन में दे रखा होगा बेटा डेप्थ मतलब ये निकालने का तरीका है बेटा कोड द्वारा दिए गए मैंने नहीं दे रखे ये आईएस कोड ने दे रखे सारे फॉर्मुले ठीक है चलो बेटा तो मैंने बोला कि अगर आपके पास में सपोर्ट विथ की वैल्यू यानी कि बी वन प्लस बी टू की, की वैल्यू अगर आपके पास एलसी बाई ट्वेल्व से छोटी हो गई तो उस केस में जो एल इफेक्टिव होगा वो जैसे हम लोग एस एस बी के लिए निकालते थे मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए वैसे ही निकालेंगे नीचे लिखा भी है एलसी प्लस डी क्वेश्चन में डी दे रखा होगा और एलसी प्लस बी वन बाई टू एंड बी टू बाई टू कंटिन्यूस बी में दिख रहा होगा रखा है और कटिंग का मतलब होता है 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 ये बीम इधर इधर भी continuous है, और इधर भी और बीच का कोई हिस्सा हमने ले रखा है समझ में आ रहा है बेटा सभी को तो कॉमेंट बॉक्स में एक बार दिल जरूर बना दीजिए और आप लोग मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को सर सब कुछ समझ में आ रहा है कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से एक बार बता दीजिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा केस टू अगर आपकी सपोर्ट विदि की बी वन प्लस की जो वैल्यू थी वो अगर आप लोगों की एलसी बाई ट्वेल्व से ज्यादा आ, आ जाती है क्या कह रहा हूं यदि आपके पास सपोर्ट वर्द की बी वन प्लस बी टू की वैल्यू एलसी बाई ट्वेल्व से ज्यादा आ जाती है यह सौ एम आ जाती है तो विच इज स्मॉलर इन दोनों में से कुछ भी कम है और उससे आपके पास में ज्यादा आ जाती है तो एल इफेक्टिव हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा ठीक है बेटा वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा बेटा इफेक्टिव डेप्थ होती है, है ना? Depth का मतलब बेटा स्मॉल डी जहां पर भी आरसीसी के अंदर अगर मैं कहीं पर भी स्मॉल डी लिख रहा हूं

देखो सबसे पहले ये बोला गया कि अगर आपकी सपोर्ट वेट बी वन प्लस की जो वैल्यू mm, है, जाती, जाती है तो एल इफेक्टिव कैसे हाईलाइट तो कर रखा है पहला जिसमें एक एंड फिक्स है और एक एंड सिंपली सपोर्टेड है दूसरा जिसमें दोनों एंड सिंपली सपोर्टेड है इसको कंटिन्यूस भी बोल सकते हो दोनों एंड कंटिन्यूस है और तीसरा जहां पे एक एंड आपके पास में क्या है एक एंड आपके पास में आ,

यहाँ पे मैंने बोला कि आपके पास में क्या है बीम है और इस बीम में देखो एक बच्चे ने कहा सर वापस से बता दो तो देखो मैं वापस से बताया था तो बेटा अगर किसी भी बीम के अंदर आपका वो लेंथ जो इसकी बेंडिंग में प्रॉपर इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है उस स्पैन को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन ये इसकी डेफिनेशन है इफेक्टिव स्पैन की और दो अन मतलब दो सपोर्ट्स के बीच की जो अनसपोर्टेड लेंथ होती है यहां से इस कोने से लेकर के और इस कोने तक की जो डिस्टेंस है ये अनसपोर्टेड है इसके नीचे कोई सपोर्ट तो नहीं लगे हुए तो दो सपोर्ट्स के बीच की अनसपोर्टेड डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्लियर स्पैन दो चीजें क्लियर उसके बाद केस ये हमने समझा अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम या स्लैब है तो दो एंड के बीच मतलब सिंपली सपोर्टेड मतलब आपके पास दो एंड पर है सपोर्टेड है आपका बीम तो यहाँ पे अगर ये इसकी डेप्थ डी है ये सपोर्ट विथ बी वन ये बी टू है और ये क्लियर स्पेन एल सी है तो यहाँ पे इसकी एल इफेक्टिव निकलेगी क्लियर स्पेन प्लस इफेक्टिव डेप्थ क्लियर स्पेन प्लस या यहाँ से शुरू कर लो इफेक्टिव सॉरी विथ ऑफ द सपोर्ट बाई टू क्लियर स्पेन प्लस विथ ऑफ द सपोर्ट बाई टू इन दोनों में से जो भी वैल्यू आप लोगों की कम आएगी उससे हम लोग काम लेंगे उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आया कि सर अगर सपोर्ट विथ

और इसका जो बारहवां हिस्सा है एल सी वाई ट्वेल्व की जो वैल्यू है वो आप लोगों की इस सपोर्ट विथ वी वन और सपोर्ट विथ बी टू इन दोनों की वैल्यू को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आ रही है अगर उससे बड़ी है क्या लिख रहे हैं एल सी वाई ट्वेल्व की वैल्यू वी वन प्लस बी टू से कैसी है बड़ी है तो उसे हम लोग उस जगह पर हम लोग क्या करेंगे जो एल इफेक्टिव निकालेंगे वो सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने सिंपली सपरेट बीम के लिए अभी रिसेंटली निकाला था इसका मतलब क्लियर स्पेन प्लस इफेक्टिव डेप्थ और क्लियर स्पेन प्लस

यदि एलसी वाई ट्वेल्व से कैसी है ज्यादा है या छो एम एम दो वैल्यू एल mm सी वाई ट्वेल्व ज्यादा है तो उस केस में हम लोग क्या क्या करेंगे इफेक्टिव निकालेंगे वो मैं आपको अब बता रहा हूं तो बेटा इसकी तीन कंडीशन बनेगी इस में इसकी तीन कंडीशन बनेगी देखो ये कंटिन्यूस बीम है इसमें और भी सपोर्ट लगा सकते हो आप चाहो तो आगे एक यहां लगा दो यहां लगा तो लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अगर इसकी तीन कंडीशन है अगर मान लो एक एंड अगर आपका इस कंटिन्यूस बीम के अंदर एक एंड आपका फिक्स है और एक एंड आपका कंटिन्यूस अब इसको कंटिन्यूस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूस बीम का हिस्सा है ठीक है आगे भी इसके सपोर्ट्स हैं। अगर एक एंड आपका फिक्स है और दूसरा एंड अगर आपका कंटिन्यूस है तो एल इफेक्टिव की वैल्यू डायरेक्टली एल सी के बराबर हो जाएगी किसके बराबर होगी बेटा एल सी के बराबर हो, हो जाएगी दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है यदि ये एंड आपका सिंपली सपोर्टेड और ये एंड देखो मैंने एक ग्रीन सर्कल बनाया है और ग्रीन सर्कल के अंदर एक एंड फिक्स है और एक एंड आपका कंटिन्यूस बोले सिंपली सपोर्टेड है तो यहाँ पे एल इफेक्टिव डायरेक्टली आपका क्लियर स्पैन के बराबर हो जाएगा नेक्स्ट है यदि आपके पास में ये जो ये जो पिंक कलर वाला बीच वाला सर्कल है इसके मैं बोला है एक एंड आपका सिंपली सपोर्टेड और दूसरा भी सिंपली सपोर्टेड लेकिन करेंगे, यदि आपके पास में ये तीसरा वाला पिंक सर्किल यदि आपके पास एक एंड कैसा है बेटा सिंपली सपोर्टेडिन्यूस बोल सकते हो और दूसरा एंड आपके पास में फ्री है तो उस केस में आप लोग एल इफेक्टिव कैसे निकालोगे क्लियर स्पैन प्लस डी टू क्या बोला मैंने क्लियर स्पैन प्लस डी बाई और और पे बोला बोला क्या इसका half D by, D का half D by 2. या फिर ये जो लिख रहा है clear span B2 by 2. इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगी उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे इस पर जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं सेम वैसी आएगा कि मान लीजिए क्वेश्चन आएगा कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ द एल इफेक्टिव फॉर ए कंटिन्यूअस बीम वेन द सपोर्ट सपोर्ट विथ विथ इज लेस देन एल सी वाई तो आप वहां पे ऑप्शन दोगे कि वहां पे सेम एज की तरह निकालेंगे सेम एज या उसमें कोई और ऑप्शन दे रखे होंगे ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके पास में दे रखे होंगे एग्जाम के अंदर ठीक है बेटा एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बेटा इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ही आएगा इससे बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ही पूछने को मिलेगा और तुम तो एग्जाम में जब जब पी वाई को कर रहे हो ना तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन दे भी रखे हैं चलिए बेटा आगे बात कर लेते हैं हम लोग कैंटिलीवर मान लो आपके पास में कोई कंटिन्यूस बीम है आप एक काट रखा है इसका मतलब और भी इधर सपोर्ट है और भी इधर लंबी जा रही है बीम। अगर आपके पास ये रोलर रोकर बियरिंग के ऊपर आपकी अगर ये बीम आपकी सपोर्टेड है तो यहाँ पे जो हम लोग एल इफेक्टिव निकालेंगे वो इन बियरिंग के सेंटर टू सेंटर हम लोग निकालेंगे क्या निकालेंगे एल इफेक्टिव जो जो हो होगी वो इन रोलर्स का बियरिंग है उसकी सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगी वहां पे हम लोग इसकी क्लियर जो आपके पास में डिस्टेंस है उसको मानेंगे मतलब एल इफेक्टिव हम लोग मानेंगे ठीक है सर चलिए ये चीज समझ में आ गई बेटा हाँ करवा बेटा एक चीज देखो मैं आपको पहले एक चीज दिखा देता हूं अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना हालांकि मैंने इसको कल के लिए छोड़ रखा है मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए देखो बेटा अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दोगे तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं और आपको मजा आ जाएगा वो चीज देख के ऑनेस्टली बता रहा हूं एक एक क्वेश्चन में इतनी डिटेलिंग मैंने आपको दे रखी है इस जगह पे आप स्टेटमेंट वाले पी वाई क्यू ई एस सी गेट सबके क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा रखे हैं देखो एक बार बताता हूँ जल्दी से एक मिनट रुकी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से क्वेश्चन चालू किए बेटा देखो यहाँ पे कल मैं आपका टी बीम खत्म करूंगा टी बीम उसके बाद में बेटा एक क्वेश्चन चालू हो जाएंगे हर एक क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन की डिटेल आपको मैंने दे रखी देख रहे हो चार ऑप्शन इनकी डिटेल्स आपको दे रखी है तो हर क्वेश्चन में कुछ और नया भी आपको सीखने को मिलेगा अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहोगे या आपका लिमिट स्टेट ऑफ क्लैब्स की लोड कॉम्बिनेशन की वैल्यू और सर्विसिटी वाली या आपके पास शटरिंग की वैल्यूज आपको बता रखी है यह सब कुछ बेटा मैंने सब कुछ पहले से सॉल्व इसलिए किया है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिले अगर आपको ये नोट्स एक काम करूंगा तो मैं आज इन सारे नोट्स को ये नोट जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ना ये मैं आपको आज कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा कंप्लीट नोट्स इसलिए प्रोवाइड कराऊंगा क्योंकि कल जब आप इस क्लास में आओगे मेरे साथ बैठोगे तो आप लोगों के पास में सब कुछ होना चाहिए जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ ठीक है बेटा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कल वाली क्लास में वो सब कुछ आप लोग पहले से पढ़ करके भी आ सकते हो तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा और मजा भी आएगा बेटा मेरी क्लास में पढ़ने में ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट ये समझ में आ गया आप लोगों को फिर लास्ट वाला जो टॉपिक है वो है आपके पास कैंटलीवर बीम और कैंटलीवर जो बीम आपके पास में होती है बेटा इसके अंदर एल इफेक्टिव कैसे निकलता है दैट इज क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ वाई टू क्या कह रहा हूं बेटा मैं ठीक है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ वाई टू ये आपके पास में वैल्यू होती है तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है ओके तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा बेटा यहाँ पे आप आपके पास कैंटलीवर बीम का कोई आपसे पूछ ले कि आपके पास में सर क्या होता है कैंटलीवर बीम का इफेक्टिव तो आप लोग यहाँ पे इफेक्टिव बता सकते हो तो बेटा ये आज की क्लास थी लेकिन फिर भी इस क्लास के अंदर मैंने आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा ठीक है और जो आपके पास में ये जो कंप्लीट नोट्स होंगे इनको आप कल पढ़ के आना आराम से अच्छे से तबीयत से पढ़ के आना क्योंकि कल की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूं और कल की क्लास शार्प आठ बजे होगी आपको कोई टेंशन नहीं आएगी एक बार कमेंट बॉक्स में खतरनाक तरीके का रिस्पॉन्स दिख जाना चाहिए आप लोगों को कितना मजा आया है क्लास लेने में आपको कितना मजा आया क्लास को पढ़ने में और कल बेटा यहाँ पर अभी चार बच्चे देख रहे हैं कल क्लास में छः सौ सात सौ आठ सौ एक हज़ार बच्चे होने चाहिए क्योंकि मैं जिस हिसाब से जिस लेवल पर आपको पढ़ा रहा हूँ वो एमसीक्यूज में आप लोगों को बहुत खतरनाक लेवल पे बताऊंगा ठीक है बेटा एमसीक्यूज भी बेटा सब कुछ बताऊंगा टेंशन मत लीजिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए नेक्स्ट हाँ बेटा टेलीग्राम आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जो बताया था देवेश पीडब्ल्यू और आपको एप्लीकेशन पे जाके आपको नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे ठीक है कल की क्लास में बेटा हम लोग आपको खतरनाक तरीके का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा आप लोगों को पूरे नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि आप नोट्स को जहां तक पढ़ा दिया है वहां तक पढ़िएगा रिवाइज करिएगा और जो आपको अभी तक नहीं पढ़ा है वो हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से चलिए फिर मिलेंगे हम लोग एक और नेक्स्ट क्लास के अंदर एंड तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया थैंक यू सो मच टेक केयर लव यू बाय बाय और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके सुंदर सुंदर कमेंट का इंतजार रहेगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी है और अभी तो शुरुआत की है बेटा कंटेंट अभी लाइन अप है आप देखते जाना कंटेंट किस खतरनाक लेवल तक का कंटेंट मैं आपको डिलीवर करूंगा मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर टिल देन टेक किया थैंक यू सो मच लव यू बाय